अभी हमारे साथ आज जबरदस्त जोड़ी है। ये जोड़ी को सारा भारत में ही नहीं दुनिया में डीएक्सएन वर्ल्ड में कोई भी नहीं है एक्टिव, कोई है डीएक्सएन वर्ल्ड में वो उसको सुना है, देखे होंगे, एटलीस्ट फोटोज तो देखे होंगे, नजदीक से नहीं देखे होंगे ये तो भी, क्योंकि ये लोग ने दुनिया का डीएक्सएन में टॉप मोस्ट अचीवर्स है। आपको मालूम है डीएक्सएन वर्ल्ड में हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट स्टेटस क्राउन अम्बेसडर्स है। ये क्राउन अम्बेसडर हजारों और लाखों में नहीं है, अभी 100 भी नहीं है, सारा दुनिया में 38 क्राउन अम्बेसडर है। इसमें ये लोगों ने डीएक्सएन वर्ल्ड में, डीएक्सएन दुनिया में ये 38 क्राउन अम्बेसडर में ये जो आज का स्पीकर है ये भी एक है। आपको मालूम है ये दोनों पति पत्नी डीएक्सएन का एक मॉडल है, पक्का मॉडल है। वो क्यों मैं बाद में बताता हूँ। ये लोग साधारण से हाउसवाइफ्स बनकर घर में रसोई कोने में रहने वाली साधारण लेडी और एक महिला डीएक्सएन का टॉप मोस्ट लेवल को जा सकते है तो सबको आज मालूम होना कोई भी कर सकता है। आपने, आपका पति ने पक्का बिजनेसमैन था, वो बहुत बिजनेस को चलाए हैं। ये सिनेमा हाउस था, क्लोथ स्टोर था, आइसक्रीम फैक्ट्री था, जो जो बिजनेस है इसको सभी को वो करके दिन रात बिजनेस में लगाकर टाइम नहीं था उसको, कमाने में ही सारा टाइम ये दौड़ता था ये ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करने के लिए। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या तकलीफ है, क्यों इतना बड़ा बिजनेस, तीन तरह का बिजनेस को छोड़कर ये सभी बिजनेस को ताला लगाकर डीएक्सएन को फुल टाइम क्यों किए, उसका स्टोरी को वो खुद बताने वाला है। और डीएक्सएन का अभी रानी है वो आप है, धर्मशीला है, क्योंकि आपने डीएक्सएन में इतना जबरदस्त सीखा। मेरा ज्ञान से 20 बरस से मेरा कोई मानव इतना अच्छा सीख कर, इतना अच्छा नेटवर्क को पढ़कर, इतना अच्छा नेटवर्क को डुप्लीकेट करने वाला, इतना अच्छा सिस्टम को फॉलो करने वाला, इतना अच्छा डिसिप्लिन को फॉलो करके कोई क्राउन अम्बेसडर मेरा टीम में उद्भव हो गया होंगे तो वो आप है। आपको पॉइंट नंबर वन मिलेंगे। आपने डीएक्सएन को स्वास्थ्य का समस्या के कारण आए और उसका फायदा बहुत अजूबा रिजल्ट आपको मिला प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का पावर को देखने के बाद जब आप हमारा मीटिंग को अटेंड किए पटना में, वहां से आपको बहुत बड़ा ज्ञानोदय हो गया, एनलाइटनमेंट जी, गौतम बुद्धा का एनलाइटनमेंट के साथ नेटवर्क का एनलाइटनमेंट, आपको जो ज्ञानोदय हो गया वो ज्ञानोदय से आप सोचा ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, हम सभी कर सकते हैं, इसीलिए आपने ये इंडस्ट्री के बारे में वेरी सीरियस लिया। सीरियस लेने के बाद आप दोनों मिलकर जब इंडस्ट्री को कूद गया और काम करना शुरू किया, स्लोली स्लोली आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या समस्या था उससे बाहर आकर आप सोचा यहाँ फ्रीडम मिलेंगे। आप लोगों ने यहाँ आया फ्रीडम के लिए, आया टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, सभी फ्रीडम के लिए। ये फ्रीडम, फ्रीडम जो मैं चिल्लाता था, अभी भी चिल्लाता हूँ फ्रीडम के बारे में, उसको ठीक ढंग से आप समझ सका।
वही कारण से आप डीएक्सएन को वेरी सीरियसली लिया, बाद में आपने ये काम करना शुरू करने के बाद में आप का संपूर्ण परिपूर्ण ये फ्रीडम के लिए आप 12 अक्टूबर 2011 में आपका एंट्री हो गए जी। दोनों काम करना थोड़ा महीने के बाद सीरियसली शुरू किया, बट आपने पहले से ही बिगिनिंग से ही शुरू आप वेरी सीरियस लिया, इसी के कारण से 5 महीने में आप डायमंड बन गए। yes, लोगों ने 5 बरस लेता है, 10 बरस लेता है, 15 बरस, 5 महीने में डायमंड बन गया, 18 महीने में एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बन गया और TSIP इंटरनेशनल ट्रिप को क्वालिफाई कर दिया, 19 महीने में आप क्राउन डायमंड बन गया और 6 बरस में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया बन गया। हमको भी ओवरटेक किया आपने। दैट इज 20 दिसंबर 2017 में पूर्वी भारत एंड बिहार का पहला क्राउन एम्बेसडर को पट्टा आप लिया, 6th क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया बन गया और दुनिया का 20वां क्राउन एम्बेसडर बन गए। 2013 में आपने मलेशिया क्वालिफाई किया, 15 में आप मॉरिशियस क्वालिफाई किया, 2016 में अगेन मलेशिया लंका भी क्वालिफाई किया, 2017 में आप दुबई क्वालिफाई किया, 2018 में आप और एक बार मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड क्रूज को क्वालिफाई किया, 2019 में आपने इंडोनेशिया क्वालिफाई किया और 2020 अभी दुबई में हम लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन के बाद वहां हम जाएंगे। सिस्टम में जाएंगे और 40 कंट्रीज में आपका नेटवर्क है, 2,52,000 के ऊपर आपका डाउनलाइन ऑल ओवर द ग्लोब है, आपके नीचे 325 डायमंड्स ऑलरेडी उद्भव हो गया है और हजारों डायमंड में पाइपलाइन में है। मैं सोचता वन ऑफ द बेस्ट, मुझे इतना खुश है आपको इंट्रोड्यूस करके इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज आप तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट फॉलोअर ऑफ RBC सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, आप दी बेस्ट डिसिप्लिन इन द नेटवर्क, आपका नेटवर्क में हाईएस्ट क्वालिफायर इन द नेटवर्क इंडिया का, मेरा नेटवर्क में मैं सोचे तो डायमंड्स क्वालिफिकेशन में आपका टीम में हाईएस्ट है, हाईएस्ट अर्नर इंडिया में, हमारा टीम में, मेरा टीम में, अभी कंपेयर कर दुनिया में भी हो सकता है आपका, हमारा इंडिया से रूट्स ने हाईएस्ट अर्नर्स अंडर मी माई नेटवर्क इज आप लोग हैं, हाईएस्ट सेल्स इन इंडिया आपने लाया है, बिहार तो नंबर 1 है लगातार 5 बरस से, मुझे मालूम है आप इंडिया का टीम को, इंडिया का नेटवर्क को, इंडिया का बिजनेस को नॉट ओनली लीड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हाईएस्ट सेल्स इन इंडिया आपका टीम से आता है, हाईएस्ट सेल्स इन एनी सिंगल अपलाइन लीडरशिप में वो हो गए तो, मैं आइडेंटिफाई करे तो वो आपका टीम से है अंडर RBC। वेलकम टू DXN RBC यूट्यूब चैनल, मिसेज धर्मशीला एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद क्राउन एम्बेसडर्स फ्रॉम बिहार इंडिया। गुड मॉर्निंग, सभी DXN परिवार को गुड मॉर्निंग, और DXN मेंटर गुरु प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर को चरण स्पर्श। DXN में हम लोग आने से पहले कुछ एक्शन दूसरा कर रहे थे, दूसरा कार्य कर रहे थे, लेकिन अब DXN में आकर के नेटवर्क मार्केटिंग में एक्शन करना चालू किए। अभी प्रोफेसर साहब ने मेरे परिचय दिए, DXN करने से नहीं होता है, DXN को समझने से होता है, जब तक हम बढ़िया से नहीं समझेंगे DXN हम
नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए क्या है, दी बेस्ट सबसे तो पहले भी कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, गुड बेटर बेस्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए। और वही प्रोडक्ट बेस्ट के वजह से हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज किए, अच्छा लगा तब हमने इसमें काम करना चालू किए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो हम इसमें काम नहीं करते। कोई भी कंपनी का बेस मजबूत कब होता है, जब उसका प्रोडक्ट अच्छा होता है। प्रोडक्ट्स मीन्स फ्यूल, फ्यूल्स मीन्स अगर आप गाड़ी में फ्यूल डाल दे और फ्यूल अच्छी नहीं हो तो कहीं भी गाड़ी रुक जाएगी। कोई भी कंपनी, बहुत सा कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, बनाएगी भी, बनाती रहेगी भी। हमारी भी कंपनी डिएक्शन कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ऐसा बनाती है, एक्वा प्रोडक्ट है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तब हम उसमें टिकेंगे। जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा हम उसमें नहीं टिकेंगे। यही कहानी है डिएक्शन की। कोई भी आदमी शौक से डिएक्शन में नहीं आता। अभी जो कोई विद्यार्थी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर, उनको हॉबी है, शौक है, लेकिन डिएक्शन में लोग शौक से नहीं आते, लोग हेल्थ प्रॉब्लम से आते हैं फर्स्ट टाइम। अभी तक जितने भी लोग आए हैं 99% लोग अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। 1% कुछ लोग होंगे जो व्यवसाय के रूप में आए हैं यहाँ पर। हम भी लोगों के जैसा 99 में हम भी थे, 99% वाला आदमी आकर के यहाँ प्रोडक्ट यूज किए, जब प्रोडक्ट अच्छा लगा खाए पिए और खाने के बाद इस दिल से बात निकलता है इसको। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगता तो दिल से बताते, और दिल से बताने का जरिया मेरा क्या था, मैं सुरेंद्र प्रसाद बिहार शरीफ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट नालंदा हो गई, और मैं यहीं का निवासी हूँ। और मैं क्या करता था, पहले पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरा हॉबी था पैसा कमाना। सभी लोगों को पैसा कमाने का हॉबी रहता है, कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, एकाक आदमी ऐसा होगा जिसको पैसा नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि हमको पैसा नहीं चाहिए, सब आदमी पूरी दुनिया में सुबह से उठता है शाम तक पैसा के चक्कर लगाता है, पैसे के पीछे पूरा दुनिया भागता है, हम लोग भी पैसे के पीछे भाग। आज विद्यार्थी तैयारी करते क्या करेंगे, वो बढ़िया सर्विस करेंगे, नौकरी करेंगे और बढ़िया तनख्वाह के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि पैसा चाहिए। हम भी वही पढ़ाई लिखाई करके तत्काल पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा चाहिए। इसके लिए हम पढ़ाई करते करते BSc जैसी किया, नर्स, हमने वीडियो हॉल सिनेमा हॉल खोल दिए, क्योंकि उस जमाने का नया 1990 की बात है, उस टाइम से हमने इसको चालू कर दिए विथ लाइसेंस, और उसी से पैसा कमाना चालू किए। और उस टाइम में भी बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि उस टाइम में मनोरंजन का कुछ चीज़ नहीं था, इंटरटेनमेंट का। तो हम लोग अपने दीपनगर, मेरा घर है पुराना, वहीं पर हमने इसको चालू कर दिए और उसी से बढ़िया चलते थे। उसे चलाते कर में पैसा कमाते और कपड़े की दुकान खोल दिए, आइस फैक्ट्री खोल दिए, लेकिन हम क्या करते, व्यस्त रहते पूरा व्यस्त। उसी व्यस्त में ये डिएक्शन का प्रोडक्ट हमको मिला। मैडम, हमारी मैडम को प्रॉब्लम आ गई, कुछ किडनी प्रॉब्लम, मेरे को भी प्रॉब्लम आ गया, हाथ में प्रॉब्लम, दर्द होता था। लेकिन जैसे ही डिएक्शन प्रोडक्ट यूज किए, 2 से 4 दिन में पता चला कि इसमें है एनर्जेटिक चीज़ है, एनर्जी है इसमें, इसीलिए इसको खाए पिए हम लोग, पूरा खाए मन से। 4 से 5 दिन में जो 1-2 प्रोडक्ट मिला तो खा के देखे बेटर है, उसके बाद पूरा ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग करने के बाद उसमें हमने उसी मंथ लगभग 12,000, आप पीवी तो पहले नहीं जानते थे, लगभग 25,000 के प्रोडक्ट हम यूज किए थे एक माह। 12,000 पॉइंट वैल्यू लगभग बना था उस टाइम में, और मालूम नहीं था कि इससे पैसा भी आता है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा से खाते थे और दुकान पर जो हम जो यूज करते थे खोला को रख देते थे दुकान पर लोग देखते थे अभी क्या चीज़ खोलिएगा, अभी दवा का दुकान खोलिएगा। हम बोलते हैं कि आप इसको पहले यूज कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब इसको भी खोलेंगे। तो इसको पेस्ट हम लाता थे और उसी पेस्ट को उसको भी देते थे, उसमें क्या करते थे कवर को रखते थे और उसको थोड़ा सा टेस्ट कराते थे, हम भी करते थे उसको भी कराते। इस तरह से प्रोडक्ट बोलते थे कि अच्छा है हमको भी अगर दीजिए, पहले कहते पहले पैसा जमा कर दीजिए, इसका MRP देख लीजिए आप। MRP दिखाते थे, बोले कल आपको मिलेगा। इस तरह से मेरे दुकान में ही लोग साबुन, चाय, पेस्ट, स्पाइरिना वगैरह
लेना चालू कर दिए और पब्लिक को इसको पावर बताना चालू कर दिए, क्योंकि हम इसमें नया थे, हमको पावर मालूम नहीं था पूरा, हम खाए थे मेरे को पावर मालूम था, लेकिन और लोग इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी में हाई लेवल हो गया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा, पब्लिक ऑटोमेटिक मांग करता है और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार यूज करता बार बार मांगता है। हम लोग तो जो बोल रहे थे, हम लोग जो कपड़े की दुकान कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये तो इसमें बहुत समझाना पड़ता है, कोई कपड़ा लेगा तो बोलेगा कि रंग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको गारंटी दीजिए, भाई हम लोग सुनते थे कहता इसको गारंटी, हम कहते कि अब रंग का कोई गारंटी नहीं होता, धूप में जाएगा तो इसमें फट जाएगा, अगर कोल्ड में रहेगा तो ऐसे भी रंग सही रहेगा, लेकिन फिर भी कहते थे कि चलिए चलेगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं चलता, चलता है, आप इसको सेव कीजिएगा तो चलेगा, इस तरह से बहुत कुछ बोलना पड़ता था। लेकिन देखिए जैक्सन प्रोडक्ट वैसा चीज़ नहीं, इसको जिसको देते हैं बोलता बहुत अच्छा है, इसको चाहिए, और एक एक मांगता था फिर दोबारा ऑर्डर करता था, इस तरह से एक महीना मेरा खाने पीने में इसको प्रैक्टिकल में चला गया, लेकिन दूसरा महीना में पता चला कि इसमें कुछ ज्वाइनिंग भी होता है, और हम ज्वाइनिंग के समय हमको मिली थी किट, 500 रुपये उस टाइम में लगती थी, 500 रुपये में किट मिली, वो किट में एक बुक थी मोटी, वो बुक बहुत पावरफुल थी, उसमें प्रोडक्ट कटलक में दिया हुआ था पावर, हम लोग पूरा पढ़ते थे, दुकान पर भी पढ़ते थे, घर पर जाते पढ़ते थे, लोग बोलता था कि लगा तैयारी करें, हम कहाँ इसको प्रोडक्ट को लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे तब ना क्या चीज़ है, उसे प्रोडक्ट को पढ़ते गए, उसके बाद उसमें प्रोडक्ट में जो कटलक था उसके बाएं लास्ट में दाएं साइड में वो आदमी बिजनेस प्लान था कि कैसे इसमें मेंबर कितना परसेंट में 10,000 प्रीमियम कितना हो गया, 20,000 में कितना हो गया, 45,000 प्रीमियम कितना हो गया, वो पोस्ट कौन सा मिल गया, कैसे डायमंड बन गया, वो सब उसमें चार्ट में दिया हुआ था। और एक महीना में जैसे मेरा 12,000 प्रीमियम बना था तो बरबरा चौहान से 1700 कुछ रुपया मेरा आ गया था उसमें, हमको लगा कि इसमें पैसा का स्रोत अच्छा है, इसमें हमको ये समझ में आया। फिर दूसरा महीना भी क्या हुआ, एक दो तीन आदमी को ज्वाइनिंग भी करा दिए, वो भी अब पहले के समय के क्या प्रॉब्लम था, यानी कोई भी मेंबर 1 से 30 तारीख के बीच में अगर ज्वाइनिंग होगा तो नेक्स्ट महीना किसी को ज्वाइनिंग कर सकता है, उसके बाद इसमें 10,000 पॉइंट वैल्यू जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी को ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, ये हमारे टाइम में था जब हम डिएक्शन ज्वाइनिंग किए 2011 में, उस टाइम का ये रूल था। तो आप सोच लीजिए जब हम समझ में आया तो एक महीना समझने में गया और दूसरा महीना से ज्वाइनिंग चालू, दूसरा महीना भी क्या किए, बिजनेस मालूम नहीं था क्या करना, बीवी बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, यानी कि 10,000 से ऊपर दूसरा महीना भी बन गया। इस तरह से दो महीना में और दो लोग के तीन लोग के ज्वाइनिंग कराए, सिस्टम था कि 10,000 पीवी के बाद भी ज्वाइनिंग कराइएगा, तुम लोग भी 10,000 पीवी बनाया, दूसरा महीना में स्टार बन गए, लगभग मेरा टोटल 50,000 पीवी चला गया दूसरे मंथ में। इस तरह से बिजनेस समझ में आया कि दूसरा महीना जैसे ही हमको लगभग 6,000 का बोनस आया तो पता चला ये पावरफुल चीज़ है, उसके बाद पूरा 100% इसमें हम फोकस करना चालू किए, और फोकस इस तरह से किए कि 5 महीना जाते जाते हमने डायमंड का पोस्ट हासिल किया 5 महीना में। अब 5 महीना में जब डायमंड का पोस्ट हासिल किया तो पता चला कि जितना हम लोग कमाते हैं हॉल से आइसक्रीम फैक्ट्री से और दुकान से उसके इक्विवेलेंट में 5 महीना में हमको रुपया आना चालू हो गया। तब मैडम ने हमको इस पर प्रेशर डालना चालू की कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं बहुत पूंजी लगा करके, पूंजी बहुत लगाना पड़ता था सब जगह पूंजी की पूंजी, और उसमें क्या था कि स्टाफ बहुत सा स्टाफ था, स्टाफ को भी देखना है, यानी अपना अमाउंट को भी चेक करना है, यानी हम टेंशन में रहते थे, सवेरे जो 8 बजे से दुकान जाते थे 11 बज जाता था घर वापस आने में, तो मेरी मैडम को बहुत तकलीफ होता था इतना बजे 11 बजे रात के घर में आने के लिए, तो इसीलिए हम मैडम को एक प्रेशर हुआ कि रिएक्शन 100% करना है, और जहाँ से हम बैठ के मीटिंग दे रहे हैं ये अभी पूरा मकान नहीं बनी थी, कंस्ट्रक्शन में थी, जिस टाइम में हम डायमंड बने थे उस टाइम में भी कंस्ट्रक्शन में चल रही थी, अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ आते थे तो बोले कि हाँ यही लोग हमको दुकान पर बड़ी तंग करने लगे, यानी कि कपड़ा वाला भी ग्राहक रहता था इधर, नहीं रिएक्शन वाला भी लोग रहते थे, अब उनको भी सामान देना उनको भी समझाना तो बड़ा टेंशन होता था, तो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इसी ऑफिस में
लोगों को बुलाना चालू किए, 2, 4, 8, 10 करते करते ऐसा हुआ एक साल में कि यहाँ 300-400 आदमी डेली आना चालू हो गया। फिर नेटवर्क बना धीरे धीरे, और धीरे धीरे नेटवर्क बनने के बाद पता चला कि डिएक्शन एक मल्टी लेवल मार्केट है। पहले हमको भी मालूम नहीं था कि डिएक्शन एक मल्टी लेवल मार्केट है, लेकिन बहुत से लोग आते थे नेटवर्क मार्केटिंग वाला, वही बताता था कि डिएक्शन नेटवर्क मार्केट, वही लोग बताता मार्केट में कि दो टांग वाला होता है, चैन बनाता है, लोग पैसा लेके भाग जाता है, बहुत सा प्रॉब्लम बात सुनाता था। हम बोलते थे अगर कंपनी भाग गई तो क्या भाग गई, अगर प्रोडक्ट हमको दे के गई है खाएंगे अच्छा रहेंगे, हमको क्या कंपनी का पैसा जमा दिए, भाग गई से भाग गई, जब तक रहेगा कंपनी जब तक खाओ, नहीं रहेगा नहीं खाएंगे, बगल विदेश से मंगाएंगे, जब प्रोडक्ट अच्छा था विदेश से मंगाएंगे, क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसा बात करता था कि विदेशी कंपनी कभी भी भाग जाएगी, लेकिन उनकी भाग जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं, जब तक है जब तक खाओ। तो इस तरह से दिमाग में ब्रेन में हम लोग को बैठा हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, डिएक्शन में जब काम करने लगे और लोगों को जब आना का धारा, जैसे कहता ना कि धारा नदी का धारा होता है, उस तरह से यहाँ पब्लिक का धारा बन गया। नहीं चाहते हुए भी पब्लिक 8 बजे से हमको ढकढकाता था काउंटर पर, किस तरह हमको पेस्ट चाहिए, पेस्ट कैसे खाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, ये सब सिस्टम चलते रहता था। उसी सिस्टम के वजह से, क्योंकि कोई आदमी अगर आ गया मेरे पास तो हम बाहर में वोट भी लगा हुआ है मेरा डिएक्शन का, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो आगे लगा हुआ है, डिएक्शन भी लगा हुआ है, नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट, यानी कुछ लोग पढ़ के भी आते थे। इसलिए मैं इसको क्यों लगाया था, क्योंकि किसी को बुलाना अगर है, अब इतना बड़ा शहर है, शहर में सब बैनर लगाते हैं, डॉक्टर साहब बैनर लगाते हैं, मॉल वाले बैनर लगाते हैं, सिनेमा हॉल वाला बैनर लगाते हैं, सब जब सब बैनर लगाते हैं, हम डिएक्शन वाला बैनर क्यों नहीं लगाए, हमने भी बैनर लगाए, आज वो बैनर देख देख के लोग आते हैं। इसलिए हर एक मेरे डिएक्शन परिवार से निवेदन है कि जितने भी डिएक्शन परिवार हैं सभी को अपने घर में कम से कम डिएक्शन का बैनर होना चाहिए, डिएक्शन का बोर्ड होना चाहिए, इससे पता चले कि आप एक विश्व स्तरीय मल्टी लेवल मार्केट कंपनी में काम कर रहे हैं। कुछ लोग आपको ही बताएंगे, आपको जानकारी नहीं रहेगी तब। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा बोर्ड भी बहुत आसान काम किया, नए नए मेंबर को आने का मौका भी दिया, ये भी जरूरी है। तो डिएक्शन चली, जब डिएक्शन में जब चलने के बाद मैं 5 महीने के बाद जितना भी स्टाफ था वहाँ हमको क्या था, स्टाफ को हिसाब करते थे, स्टाफ को देते थे, डिएक्शन में आए तो बिना स्टाफ के पैसा ही आता है, कोई स्टाफ नहीं, कोई पूंजी नहीं, केवल क्या समय देना है, समय हम उधर भी देते थे 8 घंटा से लेकर के 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक, सोचिए कितना समय देते थे। लेकिन डिएक्शन में इधर क्या समय दिए, 4 से 5 घंटा लोगों को समझाते थे, उसके बाद कहानी खत्म। इसलिए ये एक क्या हो गया, ये दिल में आ गया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको मन से करना चाहिए। 1 साल बने की 12 से 18 महीना करते करते हम KSIT भी पकड़ लिए। अब सोच लीजिए कितना तेजी में हम लोग काम किए। तो काम का प्रेशर इधर बना और उधर दुकान उकान 5 से 6 महीना के बाद जाते जाते सब हमने क्लोज कर दिया फुल। यानी कि कहने का मतलब कि 2 नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, अगर 2 नाव पर पैर रखेंगे तो कभी भी आप डूबेंगे, इसलिए 1 नाव पर पैर रखिए। 1 नाव पर पैर रखने के बाद आप मजबूती से पार कर सकते हैं। उसी लिए हमने सब ट्रेडिशनल बिजनेस को बंद करके 100% डिएक्शन में हम आ गए, और इसमें आने के बाद मज़ा ही मज़ा मिला। जब फर्स्ट टाइम हम लोग विदेश गए थे, विदेश कैसा होता है ये मालूम नहीं था, सुनते थे देश विदेश एरोप्लेन वगैरह सब, वो सब सपना था, लेकिन डिएक्शन में सब क्या होता है, हकीकत होता है, हकीकत में काम करना होता है, हकीकत है डिएक्शन। डिएक्शन में जो आदमी अगर अपना जिंदगी बदलना चाहता हो तो डिएक्शन में आ जाए। डिएक्शन का बहुत सा सिस्टम है इसमें काम करने के लिए, हमको तो मोटिवेट आपको 300-350 वाली जो बुक है वो मोटिवेट किया, लेकिन उसके बाद मैगजीन आती थी डिएक्शन की मैगजीन,
उस मैगजीन को हम देखा करते थे, बहुत से पुराने पुराने लीडर थे, उसमें फ़ोटो आता था, पोस्ट आता था, वो लोग हम लोग देखते थे 11-12 में, उस टाइम में लास्ट 11 और 12 में देखते थे लोग को फ़ोटो। हम लोग भी सोचते हैं कि अगर इसमें सही से काम करेंगे तो हम लोग का इसमें फ़ोटो आएगा, पोस्ट आएगा, आएगा, वो हम लोग देखते थे। लेकिन सही हुआ, वो मैगजीन जब आप लोग देखते होंगे कि 10-9-10 वाला मैगजीन हम देखे थे कुछ मैगजीन में, तो डायमंड लोग का भी फोटो आता था उसमें। लेकिन अभी DMI में देखते हैं, DMI में क्राउन डायमंड से फोटो आता है। अब सोचिए जमाना कहाँ पलट गया। 2015 की बात है, 15 से पहले के लोग डायमंड तक का फोटो मैगजीन में था, लेकिन इधर DMI जैसी लॉन्च हुई, अब उसके बाद क्राउन डायमंड से फोटो आता है। तो मैगजीन बहुत मोटिवेट करती है सभी लोग को, अब मैगजीन में फ़ोटो लाना भी लोग चाहते हैं। तब मैं अपना छोटा छोटा ट्रेनिंग में भी इसको मोटिवेट करते थे लोगों को कि मैगजीन पढ़ो, हर एक जितनी भी मैगजीन आती हो कंपनी का पढ़िए, मैगजीन तो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। उसके बाद अभी तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र आ गया है, ये ब्रह्मास्त्र। अगर जिनको डिएक्शन नहीं समझ में आती हो तो डिएक्शन के बारे में जाने, ये जो माई जर्नी विथ डिएक्शन, ये हमारे CEO डाटो डॉक्टर लिम सियो जी, जिन्होंने ये अपनी जीवनी इसमें लिखे हैं, यानी कि 25 साल की कहानी। अभी डिएक्शन कंपनी 27 साल के लगभग होने जा रही है, लेकिन 25 साल की कहानी इस बुक में आपको मिलेगी कि कैसे डिएक्शन चली है, जीरो से डिएक्शन आज कैसे हीरो बनी है, इसमें कहानी है। अगर जिसको डिएक्शन मल्टी लेवल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग करना हो तो कम से कम इस बुक को अगर पढ़ लेंगे दिल से, तो हमें उम्मीद है कि हम लोग तो 6 साल में क्राउन इन्वेस्टर बने ना, आप लोग 2-3 साल बहुत काफ़ी है क्राउन इन्वेस्टर बनने के लिए। क्योंकि जब हम डिएक्शन में आए थे उस टाइम में ना तो कोई बढ़िया ट्रेनिंग था, ना मिलियनियर का ट्रेनिंग होता था, ना कहीं गाड़ी घोड़ा दिखाने का जगह था कि डिएक्शन में कैसे किसको पैसा आता है, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन 5-6 साल में ये सब प्रूफ हो गया, क्योंकि आपने RBC यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे बहुत से बिहार के लोग और पूरे इंडिया के लोग हमने इस चैनल पर आकर के देखे कि कैसे कैसे लोग कामयाब हो गए, ये लोग कैसे चले, ये लोग चले एक दूसरा को देख करके। इतनी अच्छी बुक नहीं थी उस टाइम में, अगर उस टाइम इतनी अच्छी बुक होती तो ना जाने क्या होता। इसमें संघर्ष लिखा हुआ है, हमारे CEO का संघर्ष है, गनोडर्मा का भी संघर्ष है, और जो यूज किया उसका भी संघर्ष है। उस संघर्ष 25 साल का संघर्ष, अगर आप इसको 5-6 घंटा या 1 दिन 12 घंटा भी लगा करके अगर इसको आप पढ़ ले मन से, तो आपको पूरी दुनिया पता चल जाएगी। क्योंकि इसमें जो सफल इंसान लिख के भेजे, कोई जो आदमी इसको बनाए हैं लिखे है, सफल इंसान, कोई बहुत सा मैगजीन बाज़ार में निकलती है, कोई सफल होता है, कोई लिखा हुआ था किसी और का, लेकिन वो डिएक्शन नहीं है। डिएक्शन एक रियल कंपनी है, जो रियल बात इसमें बताई गई है। इसका कंपनी कितना हाई प्रोफाइल हमारे CEO हैं उसका भी लिखा हुआ है, गेनोडर्मा वर्ल्ड का कितना हाई क्वालिफाई गेनोडर्मा वो भी लिखा हुआ है, यानी पूरे देश में कैसे गया वो भी लिखा हुआ है, यानी सब इस बुक में लिखा हुआ है। अगर पूरे दुनिया का बुक ना नेटवर्क मार्केटिंग के पढ़े, अगर केवल डिएक्शन का ये माई जर्नी डिएक्शन इस बुक को खाली पढ़ करके इस पर विश्वास करके अगर आप काम करें तो आप 2-3 साल में क्राउन इन्वेस्टर बन सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि जो एक क्राउन इन्वेस्टर बना वही क्राउन इन्वेस्टर बनने का दावा कर सकता है और करवा सकता है। इतनी अच्छी बुक है, अब तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, आपको जो सब्जेक्ट के लिए उसको आप चला सकते हैं। और डिएक्शन में बहुत दिग्गज लोग और दीप आस्ती साथ से आगे, यानी कि ये जब बुक नहीं थी इसके पहले ये बुक आई थी,
माय जर्नी से पहले और भी साथ से आगे ये बायोन मॉडर्न मेडिसिन ये बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर इसको प्रोडक्ट को खा करके डॉक्टर रिपिन को से ऐसे डॉक्टर इसको खा करके इसमें इतना मोटिवेट हो गए कि आम रिएक्शन पब्लिक वाले लोग के लिए उन्हीं मैगजीन अपने हाथ से लिख के दे दिए कि जब इतने बड़े डॉक्टर रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बताते हैं तो आम पब्लिक के लिए तो बहुत आसान चीज़ है। जब डॉक्टर भी कर सकते हैं तो आम पब्लिक के लिए, तो मैं बिहार में पूरे नेटवर्क में यही बात करता था जब इतने बड़े डॉक्टर रिएक्शन कर सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं, आप तो जैसे तैसे हैं जितने डिग्री वाले रिएक्शन करते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग यानी कि जो हम रियल बात बताते तो रियल बात पर लोग फॉलो करना चालू किए और लोग आगे बढ़ भी रहे, क्योंकि सफल इंसान ही किसी को सफल बना सकता है। जो आदमी सफल होता है उसको लोग देखता है, जो सफल नहीं होता उसको कोई नहीं देखता है। तो हम यहाँ किए पहले हम सफल होना चाहते थे, अगर हम सफल होंगे तब लोग सफल होगा, हम नहीं सफल होंगे तो लोग सफल नहीं होंगे। तो दायित्व तो मेरा था, पहले मैं कैसे बढ़ूँ तब लोगों को बढ़ाऊँगा। अब मेरा लोगों पर क्या है, लोगों को बढ़ाने का प्रॉब्लम आ गया कि मैं लोगों को कैसे बढ़ाऊँ कैसे बढ़ाऊँ, अब यही प्रॉब्लम चल रहा है। अब रिएक्शन कैसे करना है, रिएक्शन कोई भी आपका रीजन हो, भाई रीजन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो ये भी रीजन हो सकता है, या हाई क्वालिफाई हो आपको सर्विस नहीं लगा ये भी आपका रीजन हो सकता है, या आप काम करना चाहते हैं आपको काम नहीं मिल रहा है ये भी रीजन हो सकता है, या फिर आप शरीर से कमज़ोर है काम करना चाहते हैं तो भी रिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके आप इसमें हेल्थ क्लियर करके आप इसमें काम कर सकते हैं। आपका क्या रीजन है वो रीजन आप ढूंढिए और ढूंढ के रिएक्शन में आइए तो आपको कामयाबी मिलेगी, ये रिएक्शन का पावर है। उसके बाद आप कोई भी सीजन एनी सीजन कोई भी सीजन में आप काम कर सकते हैं इसमें, आप ठंड में भी काम कर सकते हैं क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है ठंड में भी कॉफ़ी टी चलता है बहुत तेज़ी में, ठंड में बरसात में हो बरसात के लिए, जाड़ा हो जाड़ा के लिए, कोई भी सीजन आप ले लीजिए ये प्रोडक्ट मंदा नहीं होता। लेकिन आइसक्रीम फैक्ट्री जो हम लोग की था केवल गर्मी में चलता था, बाकी सीजन क्लोज। ये हम लोग का डिएक्शन बिजनेस क्या है, एनी सीजन कोई भी सीजन है, अभी आपका कोरोना पीरियड सीजन है ये भी एक सीजन है, ये सीजन कितना दिन तक रहेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस अभी लगभग 90% बंद है। अभी 10% क्यों चल रहा है, लोग एक दो घंटा अभी टाइम निकाल निकाल के लोग किसी तरह से काम कर रहे हैं चुपके चुपके, लेकिन वही आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट ये नेट बिलिंग होता है, ऑनलाइन सिस्टम है ये, कहीं ना कहीं से बिलिंग हो ही जाता है, लोगों का प्रोडक्ट पहुँच ही जाता है आराम से। तो किसी भी समय ये कोरोना पीरियड में भी हम लोग का बिजनेस स्लो नहीं हुआ बल्कि इसका मोशन और बढ़ गया है, तादाद लोग खाने का बढ़ गया, क्योंकि सरकार भी चिल्ला रही है इम्यून सिस्टम मजबूत करो, अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो जो इसको पहले से जानते थे इसको तीव्र गति में खाना चालू कर दिए, जो लोग नहीं जानते उसको यूज करना चालू कर दिए, इसका क्या हो गया कि इस सीजन में और गेनोडर्मा का रिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर बढ़ गया है और लोग इसको और तेज़ी से यूज करना चालू कर दिए। इसलिए क्या करना है, सबको खाना है सबको पीना है, सब रिएक्शन बिजनेस क्या है, खुद को खाना है दूसरों को खिलाना है, खुद पैसा कमाना है दूसरों को पैसा कमवाने के लिए सिखाना, खुद देश विदेश घूमना है दूसरों को घूमवाना, ये सिस्टम है, ये सिस्टम सब प्लान में बना हुआ है, आप जैसे इसमें काम करेंगे तो करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन रिएक्शन का ये खूबी है इसमें क्या, जो डुप्लीकेट करेगा सेम डुप्लीकेट वही इसमें आगे बढ़ेगा, अगर हम जीरोक्स मशीन में अगर कुछ डालते हैं तो सेम डुप्लीकेट करके निकाल देता है, वही नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी आदमी को सफल बनना है
तो क्या करना है, सेम डुप्लीकेट करना होगा। अगर सेम डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। डुप्लीकेट पर एक छोटी सी कहानी मैं सुना सकता हूँ अगर आप लोग चाहेंगे तो। क्या डुप्लीकेशन का क्या क्या रोल होता है डुप्लीकेट। एक आदमी बीमार था, बीमार आदमी किसी एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास पुराने जमाने के डॉक्टर लोग थे, वो लोग ग्रामीण जमाने के वैद्य लोग बोलते थे। वैद्य के पास गए, वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम था भूलने का उनको, वो गए वैद्य के पास। वैद्य से बोले, हम तो बहुत परेशान रहते हैं, मेरे पास बहुत सा बिजनेस है, करते करते दिमाग काम नहीं करता, इसको हमको कुछ चाहिए, इसको सोल्यूशन। तो बोले, सोल्यूशन आपको मैं बताता हूँ, तो वो सोल्यूशन लेके चलना है आपको। वो बोला, ठीक है आप हमको बता दें, लेकिन मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। अगर आप भूल जाते हो तो इसको ये बोलते जाना है, आपको याद करते जाना है। तो बोला, ठीक है भाई जी ने बता दिए, आपको क्या करना है, ये मंत्र को याद करना है, खिचड़ी कहते हुए घर को। वो आदमी ने क्या बोला, रास्ता चलते जरा खिचड़ी बोलते जा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। कुछ दूर जाते जाते खाचड़ी हो गया, वो बोलने लगा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। फिर आगे क्या हो गया, एक किसान था, खेत अगोर रहा था, वो पहरेदारी कर रहा था। पहरेदारी करते करते क्या हो गया, बोलते जा रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान देखा इस आदमी को, अरे ये तो किस बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी, हम इतना मेहनत से इसको रखवाली कर रहे हैं, तो कहता खाचड़ी हो गया। उस आदमी को दो चार भूसा दे दी भी दिया, बात भी बोला उसको, बोला तुम ऐसा बात क्यों बोल रहा है। तो बोला, ये मेरे को वैद्य ने बोला था खाचड़ी, इसलिए मैं ये बात आपको दोहरा रहा बात बोल रहा हूँ। अब बोला कि तुम ऐसा बात मत बोलना, अगर ऐसा बात बोलेगा तो तुमको बहुत मार पड़ेगी। उसके बाद बोला, तब मैं क्या बोलूँगा। तब बोला किसान बोला कि आप बोलना, आपसे बोलना बंचड़ी 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 बंचड़ी। तो क्या हो गया, आगे जाते जाते देखा कि एक बहेलिया था जो दाना देकर के पक्षी को पकड़ने के प्लान में था। तो बोल रहा जाते जाते रास्ता में बोला, अरे बंचड़ी बंचड़ी बंचड़ी। अरे चिड़िया समझ आ रही, लगता कोई बंदी करने वाला आ गया है, ये तो गड़बड़ है। चिड़ी चिड़ी फंसाने वाला जो था उसको बहुत गुस्सा हो गया और उसको पकड़ के फिर धुलाई कर दिया। तब तो बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहा है बंचड़ी बंचड़ी, चिड़िया तो एक भी बंद नहीं होगा, मेरा तो सब मेहनत विफल हो जाएगा। तो बोला, तुम क्या बोलना। तब बोला, ये तो मेरे को वैद्य ने बोला था कि बंचड़ी बंचड़ी, इसलिए मैं बंचड़ी करते जा रहा था। तब बोला, अब तुम नहीं करना, अब उसके बाद उसको धुलाई किया, उसके बाद धुलाई किया, उसके बाद फिर वहाँ से चला। वहाँ से जाते जाते गए, तो उसको पिटाई हो गया। उसको जाते जाते रास्ते में फिर मिल गया, एक ग्रामीण में कहीं आग लगी हुई थी, वो आग 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 लगी हुई थी, आग को बुझा, आग लग रहा था, तो उसमें किसान ने आग लगा रहा लग गया और लग उसी आग के चक्कर में लोग बुझाने के लिए लगा हुआ था, लेकिन ये आदमी बोल रहा कि आग बुझ नहीं रहा था, कि आने की बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा, आग बंद नहीं हुआ। तो बोल रहा तेरी करा बंद नहीं हो रहा है, लगता यही आग लगाया है। उसको कस के फिर धुलाई कर दिया लोग। फिर वहाँ बोला, अरे भाई मैं क्या करूँ, लोग तो वैद्य बोला था। इस तरह से करते हो आने की, जाते जाते एक एक जगह ऐसा मिला, एक एक कुम्हार आवा पका रहा था। वो आवा पकाते पकाते वो जाते जाते रास्ते में उन्होंने क्या हुआ, उस आग लगा हुआ था ये रास्ता में बोलते जा रहा था, ये भुलक्कड़ आदमी आग था, आग बुझा कहते जा रहा था। उसको क्या किया, आवा लगाने वाला जो कुम्हार था उसको पिटाई कर दिया कस के, और उसने बोला तुमको खिचड़ी याद दुला दूंगा। तो उसको इतना मार पड़ा, बच खिचड़ी आदि जब इसको याद आया तब पता चला कि वो वैद्य ने तो बोला था खिचड़ी खिचड़ी, एक शब्द की भूल से आज हमको कितना पिटाई पड़ा। इसलिए डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी इंसान सब इधर उधर भटक रहा, इतना भटक रहा है उनको मालूम नहीं है, कोई एक शब्द इधर बोलता है तो उधर भाग जाता, कोई इधर बोलता है देव। इसलिए माइंड को कंसेप्ट करके ही कोई बिजनेस करना चाहिए। एडिक्शन एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे हम सब अभी
पूरे बिहार में मैं सीधा बोलता हूँ, जो मैं किया तुम भी करो, इस तरह से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रिएक्शन वही है डुप्लीकेशन का, बिना डुप्लीकेशन किए कुछ होने वाला, इसीलिए कहा गया है। यानी कि अभी रिएक्शन में लोग, पहले के ज़माने में क्या होता, कहता कि ताकत चाहिए, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन नहीं, अब रिएक्शन में क्या आ गया है, जिसके हाथ में गेनोडर्मा हो, जिसके हाथ में गेनोडर्मा हो उसी को ताकत मिलेगी और वही आदमी आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केट है और बहुत तेज़ी से व्यवसाय बढ़ रहा है। ये मैगजीन 2015 की है, आप सोच लीजिए रिएक्शन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 2015 में मात्र इसको 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन अभी काउंट किया जाए तो 90,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। कितना रेशियो में बढ़ रहा है, अगर आप रिएक्शन में नहीं समझेंगे तो आपकी 90 लाख, अभी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपकी गलती है। जब हम रिएक्शन में आए थे उस टाइम में बहुत कम थी, लेकिन 5 साल में, 5 साल के जर्नी में ये मेंबर डबल हो गया। अब 2 साल जाएगा तब कई लाख, यानी कि करोड़ों से में ऊपर हो जाएगा। अब सोच लीजिए कि कितना तेज़ी में रिएक्शन चल रहा है। इसलिए क्या करना है, आपको खुद इसमें तैयार होना है। तैयार कैसे होना है, तैयार होना है, आपका भविष्य उन कार्यों से बनता है जो आप आज करते हैं, न कि उनसे जो आप कल करने वाले हैं। इसलिए ये रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, एंड योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई व्हाट यू डू टूडे नॉट टुमारो, यानी जो आज करेंगे उसी कल निर्भर करती है, आज नहीं करेंगे तो कल निर्भर नहीं करते। ये बात मेरे को समझ में पहले आ गई थी, इसीलिए हम ये काम कर दिए। और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सच्चाई में विश्वास रखते हैं, यानी कि द फ्यूचर बिलोंग टू दीज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम, यानी सपना में जो विश्वास करते हैं वही आगे भरोसा करते हैं। तो रिएक्शन में सब सपना सच होती है, जो आपका सपना है, जो आप दिल में सपना बुने हैं वो सपना पूरा कर सकते हैं। और समय तो ज़्यादा नहीं है, और हमारी मैडम धर्मशिला मैम भी आपके सामने है, और रिएक्शन में पावर 75% वोमेन पावर है, हम लोग 25% वाले हैं, इसलिए 25% से ज़्यादा 75% का मौका मिलना चाहिए। तो मैं धर्मशिला मैम को बुलाना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जो गुरु माता पिता हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर मैम, उनको चरण स्पर्श करती हूँ। और डॉक्टर एस करण डॉक्टर एस रंजन सर को चरण स्पर्श करती हूँ। तो अभी देखिए, अभी जो आप लोग ये जो YouTube चैनल पे, अभी तो हम आए हैं पहली बार इस पे, और RBC YouTube चैनल पे, और ऐसे और मीटिंग दिए थे। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरे टीम से बहुत सारे मिलेनियर थे, तो इतना सारा मिलेनियर थे तो प्रोफेसर सर बोले कि आपके टीम में कितने मिलेनियर हैं। हम बोले सर सबका सक्सेस स्टोरी पूरा दुनिया को जाना चाहिए, क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग में सारे मिलेनियर होते थे तो उतना सभी को मौका नहीं मिलता था बोलने का कि कौन कहाँ से आया कैसे आगे बढ़ा। तो एक कितना अच्छा मौका है ये RBC चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को एक लोग को मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जहाँ कि आपको कौन आदमी कैसे आया और कैसे आगे बढ़ा, मतलब रियल कहानी को आपको सामने बताया जा रहा है।
नहीं तो इतना सारे लोग मलेरिया रख थे, वो बहुत सारे लोग एक साल में, दो साल में, तीन साल में, इस तरह कम समय में भी मलेरिया कैसे बनता है आपको यूट्यूब चैनल पे सब कुछ पता चल रहा है। तो ये RBC चैनल पे आप लोग डेली देखिए और डेली लोगों को कहानी देखिए, इतना अच्छा RBC हम लोगों का सपोर्टिंग सिस्टम है, इसी से आपको फॉलो करना है। यहाँ से आपको RBC सिस्टम के जितने भी लीडर हैं सभी को हम सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि RBC सिस्टम में जो फॉलो कर दिया वो समझिए कि कहाँ चला जाएगा जिसका कोई पता। हम सिर्फ डुप्लीकेट ही किए RBC सिस्टम को। RBC सिस्टम मतलब सीनियर का फॉलो करना, सीनियर को बात मानना, जो अगर जो डायरेक्शन अगर जो आपको जो सीनियर कह दिए वो आपको मानना पड़ेगा। अगर जो ऐसा नहीं कहें तो आपको जैसे अभी कहानी बता रहे ना कि खिचड़ी के हो गया खिचड़ी और उसके चक्कर में कितना पिटाई हो गया उसको, अगर जो खिचड़ी ही डुप्लीकेट करने आता तो आज इतना उसको पिटाई नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि सभी लोग सीखते नहीं हैं तो उसको डुप्लीकेट करना नहीं आता है। तो अभी देखिए डुप्लीकेट आप कैसे कीजिएगा, आपको डेली यहाँ ट्रेनिंग प्रोफेसर सब सिखा रहे नित्यदिन कि क्या हम लोगों को करना है। आपको डेली प्रोफेसर सर मिलते हैं, कभी सोचते हैं कि इतना डेली हम लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोफेसर सर दे रहे हैं कि आखिर आपका जिंदगी कैसे बदलेगा, किसके लिए दे रहे हैं आपको जिंदगी, जबकि प्रोफेसर सर का मीटिंग देखने के लिए हम लोग, हमको देखा जाए तो प्रोफेसर सर के बारे में बताते हैं कि प्रोफेसर सर का हम जब पहली बार मीटिंग देखे थे तो मेरा सौभाग्य समझिए कि इतना अच्छा हम अच्छा कर्म किए होंगे कि प्रोफेसर सर का मीटिंग हमको पहली बार मिला था, वो भी पटना में, पटना ब्रांच में, वो भी 100 लोगों की भीड़ में। तो मात्र 100 लोगों की भीड़ में हम प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को देखते हैं, इसका मीटिंग देखते देते हुए, तो हमको बस उस टाइम में कुछ अनुभव नहीं था, सिर्फ हम डिएक्शन ज्वाइन किए थे प्रोडक्ट खाने के लिए, हमको हम डिएक्शन में आए थे सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए, हमको बिजनेस नहीं। और हम लोगों को अपलाइन है जो शशि भूषण सर है उनको भी सादर चरण स्पर्श करते हैं, वो हमको बताए उन्हीं की, वो नहीं बताते शशि भूषण सर की डॉक्टर रत्ना मैम का मीटिंग हो रहा है आपका पटना में, तो हमको क्या पता था, क्योंकि सीनियर को मालूम रहता है कहाँ क्या होता है, जो सबके मालूम नहीं होता है। तो अभी देखिए क्या होता है कि जैसे शशि भूषण सर बताते हैं कि पटना में, क्योंकि इसलिए उनको बताना पड़ा था कि हम पूछते थे कि प्रोडक्ट हम बहुत भी, हमको बहुत सारा परेशानी था, बीमारी भी इतना परेशान था कि बीमारी से हम इतना परेशान थे कि इसीलिए बोले इसमें कोई डॉक्टर है, तो बोले कि अब इसमें डॉक्टर है, संजोग से डॉक्टर रत्ना मैम आ रही थी, मगर ये समझ नहीं पता है ये डिएक्शन क्या है, बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये समझ हम नहीं जानते थे कि ये सब क्या है, सिर्फ हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या है, हमको इसके बारे में बताइए ये प्रोडक्ट क्या है। तो बोले डॉक्टर रत्ना मैम आ रही हैं तो आप आ जाइएगा, तो बोले चलिए ठीक है। उस टाइम में तो बिजनेस में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बताए ना भी कि 11 बजे नहीं 12 बजे रात लग भी कभी कभी आते थे, और इस तरह इतना परेशानी था, फिर भी बीमारी के लिए तो आदमी कहीं भी जाता है ना, तो इसी के नाम पे गए थे कि देखते हैं डॉक्टर रत्ना मैम आ रही हैं तो इतना सारा, तो वहाँ पूछेंगे कि कैसे प्रोडक्ट खा करके ठीक होता है, मेन मन सीखता है सबके शुरू में वही बात था ठीक होने वाला बात। तो हमको भी लगा कि चलते हैं इनकी, तो बोले कि कैसे दुकान बंद करेंगे, फैक्ट्री है ये है हॉल है, तो बोले कि ऐसे भी तो जाना ही था, तो बोले चलिए ठीक है। वही मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग को नहीं मालूम था डॉक्टर रत्ना मैम फलाने जगह आ रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता था कि वहाँ ट्रेनिंग चलेगा ये क्या होगा। जब प्रोफेसर सर का ट्रेनिंग चलना चालू हुआ और डॉक्टर रत्ना मैम का, तो स्पाउलिना के बारे में बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग दिए कि बच्चा जिस टाइम में जन्म अगर जो होता है उस टाइम में से स्पाउलिना दिया जाए तो एनीमिया के शिकार नहीं होता, जो कि अभी अधिकतर महिला एनीमिया के शिकार है, खून की कमी है, क्योंकि वही बीमारी मेरे पास था। तो हमको लगा कि काश ये
स्पर्लिना हमको पहले क्यों नहीं मिला था? अगर ये स्पर्लिना पहले से मिलता तो आज इतना जो खून की कमी मेरे पास है ये नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा, मतलब इतना मीटिंग में हम खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब कई घंटा पार कर गया, जो पता ही नहीं। शाम जब होता है फिर प्रोफेसर सर का स्पीच चलने लगा, तो प्रोफेसर सर बताए बिजनेस के बारे में कि आज देखिए इकोनॉमिक्स का हम प्रोफेसर थे, इतना गोल्ड मेडलिस्ट, आज मेरा बिजनेस उस टाइम में 200 कंट्री में लगभग बताए थे, उतना आदमी नहीं है तो ऐसे ही मान के चलिए। इतना देश में प्रोफेसर सर बिजनेस करते, वो भी स्पर्लिना गैनोरमा, अब बोले इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हमको इतना उस टाइम में झटका लगा कि इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो लगा मेरे हस्बैंड तो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे थे, एक जिला में कैसे भी ग्राहक नहीं आता है, अभी पूरे दुनिया से ग्राहक कैसे आ सकता है, इसमें तो बहुत पैसा कमाने का सिस्टम है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी सपना था डॉक्टर बनना, मगर उस टाइम में क्या हुआ, किसी का कारण से पढ़ाई लिखाई उतना नहीं हो पाया, बीएससी ऑनर्स किए, उसके बाद मतलब बिजनेस ही करने में दिमाग था, जॉब करने में नहीं, मतलब इसके पीछे दिमाग नहीं लगा रहे थे कि हमको जॉब करना, कुछ भी बिजनेस ही करना है। तो पता चला कि डॉक्टर रत्ना मैम जब 34 रुपये के हॉस्पिटल को छोड़ करके जब डीएक्शन फुल टाइम कर सकते हैं प्रोफेसर सर, मतलब इतना मोटिवेट कर दिए कि जो हम लोग पहले सोचते थे कि काश डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर तो नहीं बन पाए, और अब इतना उतना हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे कि फिर से हम इतना करेंगे, मगर पढ़ाई जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के समय जब मैट्रिक किया फिर इंटर में गया था, मेरा शादी हो गया, तो जब शादी हो गया तो मेरे पास भी सपना था कुछ करने का कि हम कुछ काम करेंगे। तो उतना मैट्रिक इंटर कोई ज़्यादा कोई एजुकेशन तो है नहीं, और कोई ज़्यादा भी हम हाई फाई में पढ़े, गांव से ही पढ़े थे, तो उतना ये तो नहीं मालूम, पर लगता था कि पैसा सभी को कमाना ही चाहिए, क्योंकि अभी इतना बेरोजगारी है, क्योंकि इतना कम पैसा में सारे सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो इस तरह जब हम ससुराल जब आते हैं, तो यहाँ आने के बाद मेरे ससुराल में भी बहुत सारे जॉब वाला जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब, तो मेरे हस्बैंड तो बिजनेस में ही थे, तो लगा कि अभी तो इतना पढ़ाई फिर से करेंगे, इतना मतलब इस तरह के सपना था कि क्या, मगर ये बात था कि 2-4-10 हज़ार का इनकम वाला जॉब भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो ज़्यादा मेरा फैक्ट्री दुकान इतना सारा स्टाफ रहता था, तब क्या स्टाफ पे उतना देते थे, 10-20 हज़ार लगी दी, हमको काम करना नहीं चाहते थे, हम बड़ा काम करना चाहते। तो देखिए जो मेरा बिजनेस था उसमें हम मेरे हस्बैंड कभी भी इन्वॉल्व नहीं किए, ना फैक्ट्री में ना दुकान से, इस समय से हमको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम घर में रहते थे और दुकान और फैक्ट्री से हॉल से खाने पीने भर इतना आता था, मतलब बढ़िया से, मतलब जिंदगी के समझिए कि कहिए उसको जीना नहीं, मतलब काटना ही, मतलब जरूरत ही पूरा होता था, सपना नहीं होता था, पर सपना के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि हमको करना ही चाहिए, पर कोई रास्ता नहीं था कि हम सपना के लिए आखिर क्या करें, कोई तो रास्ता नहीं है। 10-20 हज़ार 50 हज़ार इतना तो मेरे हस्बैंड कमा ही लेते, अब जो भी कमाना उससे आगे के बिजनेस मिलेगा, से आगे के कुछ हम कर पाएंगे तो होगा, तो आगे को उतना बड़ा एजुकेशन नहीं था, आगे क्या करें। तो इस तरह जब जैसे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम का मीटिंग जो हम देखे, हमारे इतना वो दिमाग में चलने, रात भर हमको नींद नहीं आया कि ऐसा भी बिजनेस होता है कि जिसमें कोई पूंजी नहीं, कोई डिग्री नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अब हमको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बड़ा खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है, एक किंग ऑफ हर्ब्स पे जड़ी बूटियों का राजा है, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, हमको बढ़िया प्रोडक्ट से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, मतलब यूज करने की आदत था, कुछ भी अगर जो क्रीम है या पेस्ट है कुछ भी है तो अच्छा अच्छा से अच्छा, जो भी सामान मिलना चाहिए अच्छा से अच्छा, तो इसमें लगा कि इससे अच्छा तो कोई सामान ही नहीं है। अब तो एक किंग ऑफ हर्ब्स, जितना भी औषधि दवा खा करके कोई स्वस्थ नहीं रहेगा, औषधि खा के स्वस्थ रहेगा, औषधि में भी पता चला कि औषधि में भी एक किंग ऑफ हर्ब्स है, जड़ी बूटियों का, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, ये सबसे आगे
कहा ये आपका आधुनिक औषधि शास्त्र से ये आगे है, इसके आगे कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं। हम की तो बहुत अच्छा, जब इसका हम प्रोडक्ट सेवन किए तो इतना अच्छा हमको समझ में आने लगा कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट काश हमको पहले मिलता, तो ये मिला ही नहीं, एक तो लेट से मिला। इसीलिए आप पहले क्या होता था, स्टॉकिस में भी प्रॉब्लम होता था, सामान नहीं रहता था, तो हमको लगता था कि जब सामान लाने जाते थे तो आज ये चीज़ गायब है, आज वो चीज़, तो बोलते थे कि अगर जो एक पेस्ट लेकर के आए हैं तो अब क्या होगा कि दोबारा पेस्ट झड़ेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब 10 पेस्ट 20 पेस्ट क्यों नहीं ले आते हैं कि ताकि जल्दी झड़वे नहीं करेगा। मतलब इस तरह हम प्रोडक्ट को पीछे दीवाना हो गए कि मेरा प्रोडक्ट कब मतलब झड़, मतलब वहाँ पर जल्दी स्टॉक पॉइंट में मिलता ही नहीं था। हम स्टॉक पॉइंट में पैसा जमा करते थे तब जा करके प्रोडक्ट ला के देते थे, और वो भी 8 दिन 10 दिन 15 दिन हो जाता था। तो इस तरह हम ज्वाइनिंग किए थे तो उसी महीना में मेरा 12,000 पीवी बना था सिर्फ खाने पीने A7 के लिए। और जब हमको अच्छा लगा तो हमको यही बात लगा कि जब मेरे लिए अच्छा हो सकता है तो मेरा टोटल परिवार के लिए तो अच्छा हो सकता है। उसको भी तो बढ़िया पेस्ट चाहिए, बढ़िया साबुन चाहिए, बढ़िया ऑयल चाहिए, जो भी है इसमें न्यूट्रिशन का सामान है, आपका गैनोडर्मा है, इसमें तो सारे परिवार को चाहिए। पहले से खाएंगे तो बीमारी नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा तो रोज़मर्रा की चीज़ें, शैम्पू, इसमें शैम्पू इतना अच्छा आपको किंग ऑफ हर्ब्स का शैम्पू है, क्योंकि पहले के जमाना में राजा महाराजा को, राजा महाराजाओं को खाने के लिए दुर्लभ था, वो हम लोगों को इस शैम्पू में भी मिलता है, साबुन में मिलता है। हम इतना प्रोडक्ट से मोटिवेट हो गए थे कि हमको लगता था कि सारे परिवार को हम प्रोडक्ट खिला दे मेरा, अगर जो मगर इतना भी नहीं मालूम था कि सभी जगह ये प्रोडक्ट मिलता है। हमको लगता था कुछ परिवार मेरे झारखंड में थे, कोलकाता में थे, तो हमको लगता था कि कहाँ मतलब दूर दूर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसका प्लान कुछ नहीं जानते थे। हमको प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा लगा। अब प्रोफेसर सर का मीटिंग से ये समझ में आ गया डॉक्टर रत्ना मैम से कि इसमें बिजनेस करेंगे तो इसमें लाखों नहीं कमा सकते, हम करोड़ों कमा सकते हैं। और वही तो मेरा सपना था, लाखों के तो बारे में हम सोच ही नहीं रहे थे, हम करोड़ों के बारे में सोच रहे थे कि आखिर इसमें करोड़ों कैसे कमाया जा सकता। तो लगा कि जब बिना कोई जानकारी के नहीं हम 12,000 पीवी बनाए तो मेरा 1764 रुपया बोनस आया, जबकि कोई जानकारी नहीं था। और उस टाइम मेरे हस्बैंड बड़ा मोटिवेट हुए थे इसलिए कि डीएक्शन में ज्वाइन किए थे पैसा कमाने के लिए नहीं, ये सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए। और प्रोडक्ट भी इतना अच्छा बेनिफिट, और गिफ्ट में 1700 रुपया बोनस आता है। लगता है कि खाने से पैसा आता है, अगर जो इसको खिलाया जाए सभी लोगों को तब कितना पैसा आ सकता है। इसमें बताते जितना ज़्यादा लोग खाएगा, इसमें खाना है और खिलाना है और भरपूर धन कमाना है, क्योंकि इसमें जब खिलाना चालू करेंगे, जब इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तब लोगों को खिलाना चाहिए। तो इस तरह हम क्या किए, जितना भी मेरे परिवार थे सभी को हम प्रोडक्ट परिवार में सबसे पहले दिए, सारे परिवार को हम प्रोडक्ट दिए कि देखिए इतना अच्छा प्रोडक्ट है। जो भी परिवार में थे सबको बताना चालू किए, घर के, हम घर से बाहर नहीं जाते थे, हम घर के अंदर में ही रहते थे चौखट, मतलब कोई काम से खाली, सिर्फ हमको क्या काम था, कब बाहर निकलना था, कहीं घूमने जाना है तो बाहर निकलना है, और नहीं तो पर्सनल मेरा शॉपिंग रहता था। तो मतलब घर का, घर के क्या जिम्मेदारी है सर, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे हस्बैंड का सारा जिम्मेदारी था, घर में क्या क्या शॉपिंग होगा, घर का मतलब पैसा कमाना, जो भी, हम घर के अंदर में रहते थे, सिर्फ खाना बनाते थे, और मेरे पास कोई काम नहीं था। अब फालतू से मैंने टीवी देखते थे क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं था, तो खाना वाना बना लिया, टीवी देखे, और कोई काम नहीं था। तो डॉक्टर रत्ना मैम को मीटिंग सुने थे तो बोले कि टीवी नहीं देखना, इसमें क्या है कि जो डॉक्टर रत्ना मैम के पहले भी हम जो कहानी देखते थे तो मेरे कभी कभी सीरियल में क्या होता था, इतना इन्वॉल्व रहते थे कि मेरे हस्बैंड के जब आ जाते थे खाना के टाइम में, कभी कभी खाना स्टाफ लेकर के जाता था, कभी कभी घर भी आते थे, तो घर में आने के बाद सीरियल देखते रहते थे तो लगता था कि छूट जाएगा मेरा सीरियल। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि नकली कहानी के पीछे क्यों पड़ी रहती है, तो बोले उस टाइम में बोले कि अगर जो कहानी है तो रियल कहानी को ये तो काल्पनिक कहानी, एक काल्पनिक कहानी कोई भी बना सकता है। हम बोले कि जरूरत पड़ेगा तो वो भी बना सकते हैं, अभी देखते हैं कहानी। इतना वो काल्पनिक कहानी से आज देखिए ये डीएक्शन
एक रास्ता मिला। काल्पनिक कहानी हम पहले से देखते थे, हमको देखने में अच्छा लगता था। अब देखिए क्या हो गया कि जब डीएक्शन में आए तो अब क्या हो गया कि मेरे घर में टीवी कोई भी देखे तो अब हमको टीवी देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई मन नहीं लगता था, सिर्फ डीएक्शन के बारे में लोगों से बात करने, उसके अलावा कोई बात। मेरे हस्बैंड भी टीवी देखते थे तो हम ही गुस्सा करते थे, वो भी सिर्फ न्यूज खाली देखना था, फिर भी हम न्यूज भी नहीं देख पाते थे क्योंकि इतना हम बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए। अब सोच लीजिए जो कि हम बिजनेस के कुछ भी नहीं जानते थे और डीएक्शन में कैसे इतना हम बिजी हो गए, जो हमको भी पता नहीं चला कि कब इतना हम बिजी हो गए। जो इसीलिए डीएक्शन कहा जाता है, कोई काम अगर जो दिल से कीजिएगा तो किया नहीं जाएगा, हो जाएगा। कब हो गए इतना बिजी? अगर जो कोई कहता हमको बिजी होने के लिए तो हो सकता, हम नहीं हो सकते थे। और मेरा दिल ये कहता था कि सारे लोगों को प्रोडक्ट का जरूरत है, सबको बताना चाहिए, तो सभी को फोन से पहले बात करके प्रोडक्ट के बारे में बताते थे और हस्बैंड को दुकान पे भेज देते थे क्योंकि हम कहीं जाते नहीं थे, अकेला ऐसे भी नहीं जाते थे, हमको कहीं देखा हुआ भी नहीं था उतना। अब पहले हम जाते नहीं थे, जनरल गाड़ी से ऐसे, टू व्हीलर गाड़ी था पहले, तो फोर व्हीलर गाड़ी था नहीं, तो जनरल गाड़ी से ऐसे भी हम बहुत कम, ज़्यादा हस्बैंड के ही साथ कहीं जाते थे। तो अब क्या होता है कि अब उसको ज्वाइनिंग कराना है, सामान दिलाना है, तो मेरा काम नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का काम था कि कैसे ज्वाइनिंग कराना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस तरह का। सिर्फ हम प्रोडक्ट के बारे में फोन से बात कर लेते थे। इस तरह करके हम तो दूसरे महीना मेरा 10,000 भी पीवी बना था और मतलब 2 महीना मेरा खाने पीने में ही लगा, मेरा भी उसका रिपोर्ट है। और उसके बाद 3रा महीना से मेरा जो बिजनेस के बारे में सोचे कि हमको जो डॉक्टर रत्ना मैम का मीटिंग हुआ, प्रोफेसर सर का, जब बिजनेस के बारे में सोचे, हमको पहले एक बार शशि भूषण सर बोले थे कि इसका किसी को बताइए, जब हमको प्रोडक्ट नहीं समझ में आता, हम बोले कि इसमें बताने की क्या बात है, इसमें तो प्रोडक्ट बढ़िया है, तो आप बोलिएगा तब बताएंगे, आपको बोलने से बताएंगे, ये मेरा जिम्मेदारी है ना, मेरा परिवार है, कैसे किसका क्या चीज है, आप क्यों बोल रहे हैं बताने के लिए, ये तो मेरा जिम्मेदारी है। मतलब ये बात बोले कि अगर जिसको बात, इस प्रोडक्ट हमको समझ में आ गया तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको किसको बताना है। तो इस तरह है कि जब प्रोडक्ट समझ में आ गया तो इतना घर से भी बाहर नहीं जाते थे, फिर भी फोन से बात करके दुकान पर भेज देते थे, सभी को फॉर्म भर देना, ज्वाइनिंग करना, जो भी परिवार के साथ, तो मेरे हस्बैंड ही करते थे। इस तरह करके पहला ही महीना में हम स्टार बन गए, जो महीना में हम सोचे कि हमको काम करना, और उसी महीना मेरा 5,600 रुपया आया। तो 5,600 रुपया तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं समझ में आया कि 5,600 रुपया क्या, और आकर के गुस्सा करने लगे कि देखो 5,000 रुपया आया। मतलब इस तरह करके, मतलब उतना बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब उनको बिजनेस कहाँ, दुकान समझ में आ रहा था, फैक्ट्री समझ में आ रहा था, नेटवर्क। फिर अगले महीना मेरा 10,000 रुपया आया, तो 10,000 रुपया आया तो पर भी बोले कि कुछ पैसा नहीं है, 10,000 लो। तो हम बोले 10,000, आप ही तो बोले थे कि कभी ऐसा बात हुआ था कि घर में कभी बैठे रहते रहे, कहते 1 रुपया भी कमा के दिखा दे दीदा तो हम जानेंगे मेरा कि पैसा कमाना कितना कठिन है, पैसा कमाना कितना कठिन है, 1 रुपया भी कमा के दिखाई। अब बोले अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, 10,000 आया है तो अगले महीना की तैयारी करते हैं। अगला महीना में हम डायमंड की पोस्ट ले लेते हैं, मतलब 3रा महीना में, और 28,666 रुपया था। जो 28,000 रुपया आया तो मेरे हस्बैंड को दिमाग घूम गया, वहां से क्या दिमाग घुमा, मतलब इतना बार बार उसका बोनस को देख रहे थे, इतना 28,000 रुपया, इसमें तो लगता है बहुत पैसा आने का सिस्टम, बाकी ये नेटवर्क मार्केटिंग अजूबा चीज है, इसमें आ सकता है। उसके बाद इतना लोगों को बधाई आया था, जब हम डायमंड बने थे इतना लोगों को बधाई आया था, उससे भी बड़ी मोटी भेंट हम हुए थे कि इतना अच्छा, एक तो पैसा मेरा आया, प्रोडक्ट हमको फायदा किया, लोग इतना बधाई क्यों हमको दे रहे, मतलब सारे बेनिफिट अभी को मिल रहा, फिर भी दुनिया कितना बधाई आ रहा। और मेरे हस्बैंड पर भी इतना बधाई आने लगा दोनों को, तो बोले कि देखिए तो आप इतना दिन बिजनेस किए, कोई बधाई दिया, हम देखिए तो 28,000 रुपया आया और बधाई भी मिल रहा है इतना। उसके बाद एक मीटिंग था, कोई बाहर के ही लीडर आए थे, हमको इतना भी याद नहीं है क्योंकि 3रा महीना ही था, और मीटिंग में हमको ज़्यादा हस्बैंड नहीं ले जाते थे, फिर भी बड़ी मीटिंग, हम वो मीटिंग कहीं नहीं किए।
घर से फोन से बात करके 28,000 के इनकम पर पहुंचे, और उसके बाद जो घर से आज मीटिंग दे रहे हैं, इसमें मेरा फैक्ट्री में खोलने का विचार से ये जमीन लेवाया था और इसको बना रहे थे, अभी बन ही रहा था मेरा ये घर, मतलब कि फैक्ट्री नीचे खुलेगा और बहुत बड़ा क्या क्या बिजनेस के पर्पज से ही घर बना रहे थे कि क्या क्या इसमें बिजनेस में हम करेंगे। तो जब 28,000 इनकम आने के बाद हमको ये लगा कि लोगों को जब फोन से तो अभी बात करके 28,000 की इनकम पर पहुंच गए, पर जब तक हम लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा कैसे। ये तो कहते हैं कि प्रोफेसर सर तो बोले कि 200 देशों में मेरा नेटवर्क है, तो 200 देशों के बाद तो हम नहीं अभी कह सकते हैं, मगर हो सकता है कि पूरा बिहार स्टेट में भी तो फैल जाए। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हम बोले बिहार शरीफ में जो घर बनाए हैं बिजनेस के लिए, तो ऐसा काम कीजिए कि चलिए उसी घर में हम लोगों को रहना, क्योंकि ये जो घर है मेन हाईवे पे अच्छा जगह है। तो बोले कि ये हॉल बना था फैक्ट्री खोलने के लिए, हम बोले उसी में ट्रेनिंग देंगे। बोले कि ये दुकान कौन चलाएगा, क्योंकि बहुत दूरी पर था। बोले कि आप दुकान चलाइएगा, हम ऑफिस में ट्रेनिंग देंगे। तो बोले कि आप ट्रेनिंग दे लेगी लोगों को, हम बोले प्रयास करेंगे, हो सकता है ट्रेनिंग देने आ जाए। तो इस तरह जब हम सोचे कि प्रयास करेंगे, तो मेरा हस्बैंड जब ये घर में आए तो 10 बजे से इतना भीड़ लग जाता, 10 बजे नहीं 9 बजे से यहाँ भी लोग आने लगा। हम ऊपर खाना बना रहे हैं तो मेरे हस्बैंड सबको समझा रहे हैं ये वो, फिर दोनों मिलकर के समझाना चालू किए, और इस तरह समझाने लगे। मतलब 1 बज गया, 2 बज गया, कितना बज जाता था, 3 दुकान जाने के टाइम ही नहीं मिलता था, और ना हम पे गुस्सा करते थे कि हमको दुकान जाना है कि क्या करना है। जो पहले तो जिनिस लेट हो जाता था गुस्सा करने लगते थे कि खाना बनाते में लेट कर देती है, खाना कब खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, मतलब इस तरह। तो यहाँ इसलिए हुआ कि इनकम आने का स्रोत था, इसलिए दुकान अपने आप नहीं जाने चाहिए। दुकान कैसे बंद हो गया जब पता नहीं चला, दुकान खुलवे नहीं करता था, स्टाफ रहता था, इतना सारा पूंजी लगा हुआ था, फिर भी दुकान बंद कर दिए। उसके बाद फिर हॉल भी बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, सब धीरे धीरे 5 महीना डेक्शन में, जब तीसरा महीना हम डायमंड बने और काम करने के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 महीना के अंदर सारा बिजनेस बंद, और दोनों मिलके काम करना चालू किए। उसके बाद इतना तेजी से मेरा इनकम बढ़ा कि 1 साल के अंदर मेरा इनकम, 1 साल नहीं हुआ, उसके पहले ही 6 महीना 7 महीना में मेरा इनकम हो गया 60,000, 70,000, 80,000, 85,000 से मेरा 1,00,000 डायरेक्ट इनकम हुआ। 1,00,000 से डायरेक्ट मेरा 1,25,000 इनकम, मतलब 1 साल के अंदर हम 1,25,000 के, 1,00,000 की इनकम 1,25,000 के बीच में पहुंच गए। उसके बाद ये पता चला कि इसमें KSIP है विदेश घूमने के लिए। अब विदेश घूमने का हमको बड़ा सपना था, क्योंकि देखते थे कि विदेश लोग दुनिया घूमता है, हम तो इंडियो नहीं बढ़िया से, हमको तो इंडियो नहीं घुमा पाते हैं बढ़िया से, मतलब दुकान से छुट्टी मिलेगा तब मैं ज़्यादा होगा तो कहीं कहीं एक आगे घुमाने लगे। वो भी टेंशन लगा रहता था कि स्टाफ वहाँ इतना पूंजी लगा हुआ कितना घुमाएंगे, खर्च भी है ये, पर हमको घूमने का सपना था। तो अब देखिए जैसे हम मलेशिया 18 महीना में जब क्वालिफाई करते हैं तो मेरा क्या होता है, 18 महीना में पहली बार जब मलेशिया जाने के जब गए दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो हमको पता चला कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमके वाह, जो कि नेशनल एयरपोर्ट पे नहीं कभी गए, वो DXN के कितना अच्छा काम है। और वहाँ जब पहुँचे मलेशिया में तो पता चलता है कि पूरे दुनिया के लोग एक साथ है, इतना मोटिवेट हुआ हुए, इतना मोटिवेट हुए कि हम वो कल्पना भी नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम थोड़ा अभी और बहुत सारा तो बताना है। इतना मोटिवेट हुए पूरे दुनिया के लोग एक साथ देखेगा, जो कि बढ़िया से इंडिया नहीं घुमाता वो विदेश घुमाते, उसको कैसा महसूस होगा। उसके बाद ऐसा जगह हम लोगों को ठहराया गया था कि दोनों तरफ समुंदर, बीच में होटल। वो बात को देख करके इसमें टीवी में देखे थे, रियल में नहीं जानते थे कि सच में हम लोग को लगता है कि इसमें ऐसे ही कैसे बन गया, ऐसा भी होता है, इतना सुंदर होटल है दुनियादारी। जब आंखों से देखे तो लगा इतना बढ़िया दुनिया है वहाँ पर। फिर जैसे 20th anniversary था उस टाइम में, तो मनाया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग, सभी क्राउन अम्बेसडर को वेलकम किया गया, स्टेज पर स्वागत किया गया। हम तो अजगुटी डबल डायमंड थे, मतलब 18 महीना में अजगुटी डबल डायमंड बन चुके थे।
तो उस समय हम जैसे जाते हैं वहां पर देखते हैं कि क्राउन एम्बेसडर का क्या होता है, क्या स्टेज पर, ये पूरे इंटरनेशनल स्टेज है, यहाँ पर सभी को स्वागत किया जाता है, तो लगा कि काश हम भी क्राउन एम्बेसडर होते आज तो हम ये यहाँ नहीं बैठे होते, मेरा जगह स्टेज पर होता। चलो ठीक है, अगले बार देखेंगे। मतलब इतना सभी से मिल करके मोटिवेट रहते थे और सभी डीएक्शन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार टीएसआईटी में गए थे, जैसे विप्ले भद्रा सर है, आज भी हमको याद है, उनके नाम पर भी जोरदार तालियां होना चाहिए, क्यों इस तरह से हमको पता चला वहाँ, और बहुत सारे लोग थे, हमको कुछ कुछ लोगों को याद है, इतना अच्छा से हम लोग से बात करते थे, सभी लोग इतना अच्छा से बात करते थे वहाँ, लगता था हम अजनबी नहीं है, सबसे मिले जुले हैं। मतलब इतना बहुत अच्छा लगा, ये डीएक्शन परिवार का ताकत हमको समझ में आया एसआईपी में, कि आखिर डीएक्शन परिवार क्या होता है। हमको लगा कि यहाँ पैसे नहीं मिलता, विदेश नहीं घूमने के मिलता, यहाँ इतना बढ़िया परिवार मिलता है, कि जो यहाँ क्या होता है, सभी को यहाँ बढ़ाने के लिए सबको हाथ दिया जाता है, मगर अदर सेक्टर में सिर्फ आपको गिराने के लिए सोचा जाता है, आपको गिरा दिया जाएगा, टांग खींचा जाएगा, मगर यहाँ आपको हाथ खींच करके बढ़ाया जाएगा। इतना अच्छा लगा वहाँ से। उसके बाद जब वहाँ से लौट के आते हैं और मन से काम करते हैं, उसके बाद एक बार बिहार शरीफ में मीटिंग होता है तो के अग्रवाल सर को भी चरण स्पर्श करते हैं, सादर चरण स्पर्श, क्योंकि उनका मीटिंग हुआ था बिहार शरीफ में, तो हमको याद है कि पहली बार हम वहीं मुलाकात किए थे अग्रवाल सर से, तो पता चला कि वर्कशॉप था, और उसमें जब आए थे तो बोले कि इसमें सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला जी कौन है, जिनको 4 लाइन डायमंड क्वालिफाई होते हैं और 12 लाइन में स्टार क्वालिफाई होते हैं। पहले तो बोले हम डर गए कि हम कौन गलती काम किए, क्योंकि हमको बुलाया जा रहा है स्टेज पर, उस टाइम लगता है डबल डायमंड ही थे, डबल डायमंड विदेश मलेशिया क्वालिफाई थे, मगर मलेशिया घूम के नहीं आए थे उस टाइम। तो हमको लगा कि उतना अनुभव नहीं था कि क्या बोलेंगे, तो बोले कि 4 लाइन में इसको डायमंड को लिखाया है और 12 लाइन में इसको स्टार को लिखाया है, तो हमको लगा ये काम लगता है कि अच्छा है, तब ना ये बताए। अभी हम शुरू में तो डर गए थे कि कुछ किए गलती, तो उस तरह से इतना अच्छा से उसके बाद हम जो काम करना चालू किए, तो पता चलता है कि जब जिस टाइम से हम डायमंड बने थे, उसी टाइम से हम जो 1 तारीख को 37% पे जाते थे, जो आज दिन तक हम 37% पे 1 तारीख ही रहते हैं, उसी का रिजल्ट है। अभी इस महीना में सभी आरबीसी ग्रुप में देखे थे मेरा 90 डायमंड, क्या हुआ था कि 1 तारीख को ही 37% पर गए थे, पर सब लोगों को ये पता चला था कि कंपनी का ऑफर, हम लोगों के टाइम में कुछ ऑफर नहीं था, फिर भी एक काम करने के एक जुनून था कि इसी तरह से काम किया जाता है। तो जब हम किए थे तो आज मेरा टोटल टीम भी कर रहा है वही काम, आज देखिए कितना तेजी से सभी लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ से मोटिवेट होकर के आते हैं, फिर और तेजी से काम करते हैं। मात्र 39 महीना में हम क्राउन डायमंड का पोस्ट लेते हैं और 6 साल के अंदर हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, 6 साल में। तो जैसे 6 साल में मेरा क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट मिलता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब फिर जाते हैं 25th anniversary में, तो वहाँ पता चलता है, वहाँ से तो बहुत सारा फोटो आप लोगों को दिखाए हैं कि फिर क्या मिला। आज देखिए मेरे हस्बैंड जो बोले थे कि 1 रुपया लिए, आज हमको पैसे नहीं आता, आज कितने को कमाने के लिए हम सिखा रहे हैं। आज जैसे आप लोग भी देखे आरबीसी चैनल पे कि कितने लोगों को आज 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख, इस तरह मेरा ग्रुप में आता है, मेरा कितना आता है वो प्रोफेसर सर को मालूम है, नहीं तो कंपनी को मालूम है कि मेरा कितना आता है। जो बाकी बिजनेस के हिसाब से ये आप लोगों को मालूम होगा कि मेरा 1 तारीख का जो पीवी गया था वो आरबीसी ग्रुप में डाला हुआ था कि कितना मेरा 1 तारीख, आप पीवी से ही बोनस आता है। तो अब देखिए उस टाइम में क्या होता है कि अगर जो आज देखिए कि जब 18 महीना में हम डिक्शन में जब टीएसआईपी में किए थे, उसी के हम अपना कार खरीदे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उतना बिजनेस में बहुत सारा पूंजी लगाए थे, मगर उसमें अपना
मतलब कि होता ना एक सपना शौक, वो सपन पूरा करने के लिए पैसा नहीं था, खाली पहले से बोलते थे फोर व्हीलर गाड़ी देखते थे तो बोले ठीक है आ जाएगा, कब आएगा जिसका आज दिन तक पता नहीं था कि कब आएगा, कोई डेट फिक्स नहीं। अगर जो जीवन देखबो करते थे एक नैनो कार के बारे में, सोचबो करते थे एक नैनो, क्योंकि 2013 में नैनो कार था तो उस टाइम में सोचते थे कि अगर जो ले 2013 में, 2011 की बात है, 2013 में तो हम डिएक्शन में कार खरीदे डिएक्शन की कमाई से, तो उस टाइम में सोचे थे कि ऐसा कार होता है चाहे खरीदेंगे चाहे, मतलब अभी सोच रहे थे, प्लानिंग चल रहा था, क्लियर नहीं था कि खरीदा जाता। और 2012 में डिएक्शन ज्वाइन करते हैं और 2013 में हम डिएक्शन में स्विफ्ट डिजायर यानी 9 लाख का कार हम खरीदते हैं मात्र 18 महीना में, यानी उस टाइम में बढ़िया से हुआ था, मतलब इतना जल्दी हम 9 लाख के कार खरीदते हैं डिएक्शन की कमाई से। उस टाइम में मेरे हस्बैंड का वेगनार खरीदने का मन था, मगर हम जब गए थे शोरूम में तो बोले कि एक कौन हमको पूछने गए थे कि कौन गाड़ी खरीदेंगे, तो हम बोले एक गाड़ी नहीं अच्छा लगता, एक गाड़ी, और दाम किसी को नहीं जान रहे थे क्योंकि हम ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, शाम के समय में गए थे। तो सोच लीजिए यहाँ जरूरत वाला गाड़ी नहीं, जो सपना वाला गाड़ी पूरा होता। और जब हम कार खरीदे तो मेरा टीम में देखिए कितना प्रभाव पड़ा, आज जो माधुरी जी को देख रहे हैं, मेरे टीम में सबसे पहले माधुरी जी आई थी, आज जो कि 4 लाख रुपया महीना वो कमाती है मेरे डाउनलाइन में। और सोच लीजिए तो जब मेरा कार खरीदाया था तो माधुरी जी जब देखी बोली कि मैम आपका गाड़ी इतना सुंदर आया, हम कि मेरा गाड़ी नहीं आपका भी गाड़ी आ सकता है, उसका भी 6 मेरा कार आने के बाद उसको इतना करंट लगा 6 महीना के अंदर, यानी स्विफ्ट से ले रही हो, हम स्विफ्ट डिजायर खरीदे तो स्विफ्ट से ले रही हो। और उस टाइम में क्या हुआ कि हम जब वो कार खरीद के आइए माधुरी जी, तो हम छत पे थे, तो छत पे जब हम घूम रहे थे तो क्या होता है, उसका कार जब लेकर के आती है, नीचे उतरती है अपना कार से, और मेरे ही घर के बगल में वो रहती थी, इतना आँख से आंसू हमको गिरा, पता नहीं क्यों, ये रियल बात बता रहे, ठीक है, मेरा कार आया तो नहीं कुछ नहीं उतरा, कोई ज्यादा महसूस नहीं हुआ, जब माधुरी जी के कार आता दोनों हस्बैंड छत पे थे, बोले कि देखिए तो इस कार को पहले जब देखते थे तो लगता था काश मेरा होना चाहिए, आज देखते में कितना बड़ी ताकत है, आज हम लोगों को कार लाने में मदद कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लगा उस टाइम में कि जो बता नहीं सकते, कितना खुशी मिला। और आज उसी को कार को देख करके आज मेरे टीम में कितने सारे कार आ गया है, जो कि आप सभी मिलेनियर को कार अचीवर को देखते हैं RBC चैनल पे। लीजिए एक आदमी को जहाँ आ सकता है वहाँ सिस्टम है, सभी को आ सकता है। आज देखिए मेरे टीम में विदेश भी घूमने के लिए कितने लोग गए हैं, मलेशिया गए थे तो 70 लोगों को ले गए थे वो ऑफर वाला, बाकी और सभी जगह इंडोनेशिया गए, फिर आपका बहुत सारे जगह है कि आज मेरे टीम में कम से कम 20 से 25 लोग TSIP क्वालिफाई करने लगे, जब हम किए तब मेरा टोटल टीम भी करने लगा। तो इसीलिए सिस्टम है, यहाँ लोगों को मदद करने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया और खुशी का काम, इससे बढ़िया और कोई काम है तो बताइए आप लोग, इससे बढ़िया कोई हो सकता है। पहले तो अपना जिंदगी में जो सपना था, मतलब जो मेरा सपना अधूरा दिख रहा था, सपना तो था इसलिए हमसे डिएक्शन हुआ, सपना नहीं होता। मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं था कि इतना सवेरे हम डिएक्शन में आने के बाद इतना सवेरे उठ जाते थे, कितना जल्दी सारा काम कर लेते थे, मीटिंग के भी लिए रेडी हो जाते थे, बोले कि कहाँ से एनर्जी ताकत आ गया इसके अंदर, बोले इतना हमेशा एनर्जी में रहते थे, मतलब अपने आप में मोटिवेट रहिएगा तो अपने आप एनर्जी आएगा। ये हमको प्लानिंग के साथ हमको काम करना था। अब देखिए मेरा जो सपना है कि इतना आप में, इतना जो अभी तो सभी का काम आसान हो गया है, मेरे टाइम में तो बहुत मुश्किल था, इसलिए मुश्किल था उस टाइम में लोगों को लाना समझाना इतना मुश्किल था कि अभी तो कितना आसान हो गया, रोज घर में ट्रेनिंग चल रहा है, घर घर ट्रेनिंग चल रहा है, रोज एक दूसरा के कहानी चल रहा है, हम लोग ले जाते थे सबका उतना पैसा खर्च करके कैंप में, आज तो सबके घरे में कैंप हो रहा, इसका पावर को आप लोग जानिए। और मीटिंग जब भी देखिए तो क्या कीजिए कि बहुत सारे उठ बैठ करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए तो बैठ जाइए। तो इस तरह आज इतना अच्छा मेरे टीम में इतना अच्छा परिवार मिला, आज देखिए जैसे कुंदन जी हैं, कुंदन जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि इतना उस टाइम में कोई युवा लड़का को समझाना मेरे लिए क्या, डिएक्शन तैयार में भी बहुत मुश्किल था,
कि युवा लड़का को अकुंदन इंजीनियरिंग करके आए थे तो बोले कि मैम इसमें हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। और जब हम अपना स्टेटमेंट दिखाते हैं ना एकदम होश में आ जाते हैं, उसे उसको तो यकीन ही नहीं होता है कितना पैसा आता है। वो तो हमको बोले ना, हमको सामने कुछ नहीं बोले पर बोले कि वो इकाई दाएं सकरा इस तरह गिनने लगे। उसके बाद उनने उसको दिमाग में ऐसा किया कि सुनना तो नहीं बैठा दिया। एक कुंदन का दिमाग था क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर थे, हम तो रियल दिखाए। मगर देखिए उसी टाइम में TDS का इनकम भी आता है और वो देख करके इतना मोटिवेट होते कि वास्तविक दुनिया में इतना पैसा आता है। जितना कुंदन हमको उस टाइम में देखे था आज कुंदन के खुद उससे ज्यादा आता है। तो इस तरह जो रियल चीज है वो रियल चीज बताइए। हम हमेशा क्या किए, जो मेरे पास जो हकीकत था वही चीज को बताते थे कि देखिए डिएक्शन में ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों की इसमें आगे बढ़ने का मेन कोई दिमाग मत लगाइए। जहां आप सोच लीजिए इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर यानी कि जो 34 रूम के हॉस्पिटल डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर सर जब रिएक्शन कर रहे हैं तो अपने आप में डेली पूछिएगा प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं किसी रास्ता से? अगर जो आपके पास है कोई रास्ता तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी उसके बाद कोई डॉक्टर बहुत सारे कैंप में जाते थे तो इतने सारे डॉक्टर लोगों को देखते थे। तो आज हम सभी डॉक्टर लोग को भी बता सकते हैं, डॉक्टर लोग को ये बात बताना चाहते हैं, उस टाइम में तो हमको सिर्फ डॉक्टर के ही उतने ही दूर तक सपना था क्योंकि छोटा सपना था। अभी इतना बड़ा सपना है क्योंकि सपना भी अनुभव करने आएगा था ना कि कितनी बड़ी दुनिया है। अब पहले छोटा दुनिया देखे तो छोटा ही अनुभव करने आता था, अब अनुभव करते हैं कि आज देखिए लॉकडाउन में हम 4 महीना से, ऐसे भी हम ज्यादा ऐसे पहले भी नहीं ज्यादा जाते थे बाहर, और लॉकडाउन से हम कोई मीटिंग भी नहीं किए, मेरा ऑनलाइन जो भी मीटिंग कर रहे हैं। और आज मेरा जो PV आ रहा है बोनस, मेरा बहुत सारे लोग परिवार में जॉब में है, इतना परेशान है। वो परेशान क्या है कि लॉकडाउन में उसको ड्यूटी करना पड़ा, कोरोना के मतलब है फिर भी ड्यूटी करना पड़ रहा है। क्यों ड्यूटी करना पड़ रहा है? उसको डर है कि हाँ कोरोना है हमको ये परेशानी होगा, उनको डर है फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये थोड़ा सोचिए, हमको ड्यूटी क्यों नहीं करना पड़ा? इसलिए कि उनको पैसा चाहिए इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं। आज सोचिए हम लोगों को ड्यूटी करने के लिए वो जितने भी जॉब में है, चाहे सरकारी जॉब रहे चाहे प्राइवेट जॉब रहे, ड्यूटी करेंगे तो पैसा आएगा, ड्यूटी करना बंद पैसा बंद। पर हम लोग ऐसा पेड़ लगा दिए हैं, ऐसा पेड़ लगाए हैं कि अगर जो हम इस धरती पर है तो पर भी पैसा आएगा, हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो पर भी पैसा आएगा, वो भी अनलिमिटेड वेल्थ जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो भी इतना कम समय में इतना बड़ा बड़ा पेड़ लगेगा। ये सिर्फ फल इतना में पैसा आएगा जो हमको भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। आज देखिए मेरा 40 देश में, प्रोफेसर सर का 200 देशों में सुने थे, हमको विश्वास नहीं, मतलब वो तो विश्वास हमको एक एक बात को होता था, ये नहीं समझ में आता था कि ये 200 देश में बिजनेस कैसे है। मगर ये बात को समझ में इतना आता था कि अगर जो कोई मेरा परिवार अमेरिका में है तो आप ज्वाइनिंग करा देंगे तो अमेरिका से तो PV आएगा ही ना, और ये समझ में आता पैसा कैसे आएगा। उतना हम दिमाग नहीं लगाते थे, सिर्फ ये जानते थे कि प्रोफेसर सर को आता है तो मेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि सिस्टम एक आदमी के लिए नहीं है, सिस्टम सभी के लिए बराबर है, करने वाले पे निर्भर है। अगर जो आप करिएगा ही नहीं तो आपका आएगा कहाँ से? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज्वाइन तो डिएक्शन कर लेंगे, मगर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं चाहिए। जब उसको प्रोडक्ट खाने के लिए कहिएगा तब बड़ा महंगा है, और हमको प्रोडक्ट पहले भी महंगा, जब हम डिएक्शन में शुरू किए थे तो हमको ये नहीं कहे थे कि हमको महंगा, हमको प्रोडक्ट खाना है तो खाना। मगर आज की बात को एहसास आता है जितना भी हम प्रोडक्ट खा रहे हैं, अगर जो हम आज डिएक्शन नहीं करते तो आज इतना प्रोडक्ट कहाँ से खा पाते? ये बिजनेस से संभव नहीं है, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे परिवार डिएक्शन भी परिवार में देखते हैं, अच्छा अच्छा जो भी पैसा कमा रहे हैं वो प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में नहीं खाते क्योंकि उसको महंगा लगता है। मगर डिएक्शन वाला अगर जो डायमंड भी है तो उसको महंगा नहीं लगता। उसका कारण ये नहीं कि पैसा आ रहा है इसके कारण से, उसका एक कारण है कि नॉलेज इसके बारे में बहुत ज्यादा है
इसलिए जिस चीज को बारे में आपका नॉलेज हो जाएगा वो महंगा लग ही नहीं सकता आपको, जब तक समझ में नहीं आ रहा आप उसका पावर नहीं जानते इसलिए आपको महंगा लगता है। हम लोगों को क्यों नहीं लगता? हम लोगों को जितने भी घर में जो भी अगर जो जूस भी पियेंगे तो नोनी जूस पियेंगे, यानी बाहर के जूस नहीं लाना। तो जो भी काम करना है बेसन का ही प्रोडक्ट में जितना जो चीज आ जाए, तो आज देखिए अच्छा चीज के पीछे आप भागिए। हम अच्छा चीज के पीछे सोचे थे कि अच्छा चीज हमको मिल जाए, आज अच्छा चीज मिला, अच्छा बिजनेस मिला, अच्छा आज देखिए सभी कुछ विदेश घूमने को मिला, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा होटल मिला, मतलब जो भी घूमने के देश विदेश अच्छे अच्छे लोग से मिलने के लिए मिला, मतलब सभी तरह से अच्छे लोगों को अच्छे लोगों को संगत में रहने का मौका मिला, मतलब इतना अच्छा है डिएक्शन आप लोगों को कि मतलब सभी लोगों को डिएक्शन इतना अच्छा है फिर भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को ये बात को समझिए अब कि हम इसके साथ में हैं, ये बात को समझिए। आपको कहा जाता है आपको दुनिया जीतने नहीं देंगे और गुरु आपको हारने नहीं देंगे, तो आप क्यों डर रहे हैं? अगर जो आपको सच्चा जो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, मगर हाँ ये नहीं कि आपका स्पॉन्सरिंग कर गए कर दिए तो वो आपका गुरु हो गए, ये गलत बात है, ये बात को नहीं समझ। आपका सफल आदमी जो कि वही आपको सफल बना सकते हैं, और वो आपके गुरु का मतलब वो आपके बारे में चिंता करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके गुरु है। ये नहीं कि ज्वाइनिंग कर दिया वो आपके गुरु है, वो ऐसा गुरु नहीं होते। आपके बारे में सोचते आप कैसे आगे बढ़िएगा, वो आपको डांटते हैं, जरूरत पड़ता है तो आपसे प्यार भी करते हैं, मतलब ये नहीं कि डांट रहे हैं तो समझिए डांट रहे हैं, इसलिए आप पर गुस्सा आता है कि वो आपको अपना जैसा बनाना चाहते हैं, नहीं तो गुस्सा क्यों करते? पता चलता है कि मीठा मीठा बात तो सभी लोग बता देता है, थोड़ा सो ये कोई गलती बताया है किसी को कि कैसे आपका ये गलती हो रहा है? कोई है बताने वाला दुनिया में? अगर जो कोई है दुनिया में तो आपका गुरु है, तो और नहीं तो माता पिता होते हैं, तो और कोई दुनिया में आपको तरक्की देखना नहीं चाहेगा, सब आपको गिराना ही चाहेगा हर हाल में। तो इसलिए आप लोगों को इतना बढ़िया मौका मिला है और इसका ये अवसर को आप मत खोइए और इसको दिल से काम कीजिए, इतना दिल से कीजिए कि जैसे हम कैसे इसके पीछे दीवाना हो गए। 6 साल तक हमको पता ही नहीं चला कि कब कौन त्योहार आया, कौन क्या हुआ नहीं हुआ, हमको समझ में नहीं आया, बस एक टारगेट लेकर के काम कर रहे थे। आप लोगों को भी टारगेट लीजिए, अब तो आसान हो गया। अगर जो हम 6 साल में बने थे तो अभी देखिए आपको प्रोफेसर सर बताए क्या नाम बताए थे जो कि 29 महीना में मतलब रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए, अमीरा 29 महीना में क्राउन एम्बेसडर, एक जोरदार तालियां होना चाहिए, इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिला। 29 महीना हम इतना मोटिवेट हुए थे, इतना मोटिवेट हुए कि आज देखिए रिकॉर्ड तो बनता है 6, उस टाइम हम 6 साल में बने थे, अब 29 महीना में बन रहे। अब आप लोग जरा सोचिएगा हमको कितना महीना बनना, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए, अब तो रिकॉर्ड क्या हो गया टूट, आपका फिर 6 साल वाला रिकॉर्ड 29 महीना में, और बीच में टूटा है 4 साल में भी कोई बना था, मगर आपको 29 महीना, अब कोई 2 साल में बनेगा, कोई 25 महीना में बनेगा, 24 महीना, इस तरह करके तब जा करके आपका कोई रिकॉर्ड टूट सकता है। तो इस तरह इसमें कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि आपको सिखाने वाले जब मिल गए हर एक तरह से, रात में फोन कीजिए, दिन में फोन कीजिए, कहीं भी आपका सफल सीनियर आपको रिसीव करते, वो आपको जिंदगी बदलने के लिए। अभी देखिए अभी मेरे टीम में इतना सारा मिलेनियर है, अब मेरे पास इतने सारे लोग हैं, सभी को हम ये बात बताते हैं कि अब जल्दी से अगर जो मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो आप लोग तोड़िए, रिकॉर्ड बना है तोड़ने के लिए। तो आज देखिए पूरे इंडिया चाहे पूरे वर्ल्ड सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो 29 महीना में तो रिकॉर्ड टूट चुका है, जब काम करने में तभी मजा आएगा, कि जब तक कोई के रिकॉर्ड की तोड़िएगा तब मजा नहीं आता, उसका एक अलग जुनून होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते भी थे तो हमको टॉप करने का बड़ा आदत था, ये भी बात सही है कि टॉप रहे तो अच्छा, कोई चीज मतलब करना ही है तो क्यों नहीं ऐसा दिल से काम कर दिया जाए कि आखिर करना ही है काम तो लगल क्यों रहेंगे।
तो इतना बढ़िया बिजनेस आपको आपको इतना अच्छा आप लोगों को सिक्योरिटी मिल रहा है, आपको इन पैसा के पीछे दुनिया भाग रही है। जैसे मेरे हस्बैंड भागते थे 12 बजे रात लग घर में आते थे 11 बजे रात को, उस टाइम हमको इतना मतलब टेंशन होता था, इतना टेंशन होता था कि काश उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मगर डीएक्शन को जितना भी धन्यवाद किया जाए कि ना डीएक्शन मिलता, अब बाय द वे डीएक्शन मिल भी गया था, प्रोफेसर सर नहीं मिलते, वो मीटिंग देने के लिए नहीं बिहार में आते, डॉक्टर रत्ना मैम नहीं आते, तो आज मेरा जिंदगी नहीं बदलता। उसके बाद ये बिहार का जो अभी मेन पिलर है प्रियंजन सर अग्रवाल सर, जो कि डीएक्शन को पहले से लेकर के आए थे, आखिर बिहार में सिस्टम खड़ा करके रखे थे। हम लोग तो क्या किए, जब हम अपना परेशानी जब देखते थे ना, तो अग्रवाल सर के बारे में सोचते थे, प्रियंजन सर के बारे में सोचते थे कि उन लोगों को कितना परेशानी आया होगा, तो मेरा परेशानी कुछ दिखवे नहीं करता था। प्रोफेसर सर तो और 20 साल पहले आए थे, तो उनका कितना परेशानी आया होगा। जब उतना परेशानी में प्रोफेसर सर क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, जबकि उसके में तो कोई से दिखाने वाला भी नहीं थे कि किसको पैसा आता, प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, इसका क्या पावर है, कोई भी दिखाने वाला इंडिया में, क्योंकि इंडिया का डिएक्शन का जन्मदाता है डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए इतना जो हम लोगों को बढ़ाने में। आज देखिए वो 34 रूम के हॉस्पिटल को ताला बंद करते देर नहीं लगा, प्रोफेसर सर का जॉब छोड़ते देरी नहीं लगा, और हम लोग छोटा छोटा चीज को 100 बार सोचते छोड़े कि ना, कन्फ्यूज में रह जाते हैं। जब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतने लोग सफल हो गए, तो अब क्यों सोच, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग। इसीलिए आपको जो भी काम कीजिए दिल से काम कीजिए, और आप इसके बारे में कभी सोचिए ही मत कि हमको सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इतना टेस्टिमोनियल इसमें हो गया, इतना टेस्टिमोनियल है, और रोज एक कहानी रोज जरूर देखिए। जैसे अभी अभी हम क्या बोले कि क्या चल रहा है, अभी आप लोगों को ये सीरियल जो हम लोग देखते थे टीवी में, वो आप लोगों को काल्पनिक देखते थे, अभी क्या हो गया, रियल हो गया। तो अब रियल को देखने में मजा आएगा, आखिर काल्पनिक जो काल्पनिक हम देखे थे वो सब रियल हमको डीएक्शन में मिला, सारे चीज मिला। जिंदगी ऐसे बदला जाता है, जिंदगी ऐसे काटा जाता है, जिंदगी जीना क्या होता है, खुशी क्या होता है, विदेश क्या होता है, पैसा क्या होता है। आज देखिए अभी मेरा दो दो घर एक ही साथ बनाना चालू कर दिया, जो कि एक घर बनाना लोगों के लिए मुश्किल था, अभी डायरेक्ट से चालू है घर, तो 2 साल से बन रहा है, तो बन रहा है, और वो भी कि घर नहीं बनेगा, ये वो तो समझिए कि ये तो बिल्डिंग तो बना है, अभी तो रिजॉर्ट ही बनेगा, ठीक है, जो इतना बड़ा में बन रहा है कि उसको जब तैयार होगा तो सब लोग देखिएगा। ये डीएक्शन जो कि एक कट्ठा में बनाने के लिए मतलब कि सोचना पड़ता था वो बिजनेस से, मगर आज बीघा की भी बात कहा जाए तो वो भी मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ चलिए, थैंक यू, गो क्राउन इन्वेस्टर। जबरदस्त, फंटास्टिक, आपने अभी ऑफकोर्स आप मिलियनेयर नहीं है, मिलियनेयर कभी बन गया है आपने, आप मल्टी मिलियनेयर भी नहीं है, आप महीने का मंथली डबल मिलियनेयर है, करोड़पति है आप, करोड़पति ऑलरेडी बन गया है, अभी मल्टी करोड़पति बनना, अभी आपका वो सोच होना बरस में कितना करोड़ आप कमाएंगे, अभी 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ के सोच होना है, वो हो सकता है, नेटवर्क में लोग कमाता है। जो आपने मार्गदर्शन दिया है सभी लोगों को बिहार में, आपके टीम में, नॉट ओनली आपके टीम, आज आप इंडिया का मॉडल भी नहीं है, इंडिया का मॉडल दुनिया का मॉडल है। अभी आपका जो आपका जो मॉडल है अभी इंडिया का डुप्लीकेटिंग मॉडल नहीं है। अभी बहुत कुछ लोग, जब मैं बाहर जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, और अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो,
लोग पूछते हैं आपका नाम, अभी लोग को आपको देखे नहीं होंगे, आपको सुने नहीं होंगे, बट नेटवर्क में जो देखता है कौन कौन कितना तरह डेवलप हो गया है, सभी लोग पूछता है एक ही चीज, कैसा बिहार लोगों ने किया, ये की है बिहार का स्टोरी क्या है बताइए। सभी पूछते हैं इतना गरीब लोग कैसे धर्मशिला का टीम में, अभी हम देखते हैं कूली करने का वाला, डेली वेजर्स, कारपेंटर्स, बार्बर्स, टाइलर्स, रिक्शा पुलर्स, आपका जो मॉडल अभी हमने देखा है, सभी अनपढ़ लोग कैसे ये सिस्टम को पकड़कर सफलता बन गई। अभी ये अनपढ़ लोग, अभी ऑल दिस लोगों का जो स्टोरी, मुन्नी देवी, रेखा देवी, वो देवी, ये दे सारा सो मेनी देवीज उसको नाम अभी हमको बताते हैं, साधारण लोग वो सोच भी उसको देखे तो 1,000-10,000 भी नहीं कमा सकते, हम सोचते हैं वो लाखों में कमाते हैं। इस तरह का सिंपल लोग ले, साधारण लोगों को लाइफ आप कैसे बदला, वो बहुत बढ़िया बात है। अभी हम बदलना, हम कमाना बढ़िया बात नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के कितना लोगों को जीवन हम बदल सकता है, कितना लोगों को हम कामयाब बन सकते हैं, कितना लोगों को हम रास्ते, अच्छा रास्ते दिखा सकता है, कितना लोगों के लाइफ में हम घुसकर उसका लाइफ में परमानेंटली। अभी देखिए आप लोगों ने, आपका टीम का लोगों ने आपको जो फॉलो किया है, आपका जो डुप्लीकेट किया है, वो सोचते हैं उसको जो आप माँ बाप की तरह है, वो सभी लोग बताता है, वो मानते हैं आप एक माँ बाप है ये लोगों को, क्योंकि उसका लाइफ बदल गया। यही है हमको खुशी का बात क्या है, हजारों लाखों लोगों को इस तरह जब लाइफ बदलते हैं, इससे हमको क्या पुण्य मिलता है, पैसा तो मिलेंगे, पैसा तो मार्केटिंग प्लान के आधार पर कोई भी मिलने, आपका पैसा आने को कोई भी रोक नहीं सकेंगे, वो सिस्टम है, वो सिस्टम को आप प्रूव किया है, अभी कोई भी आपको ये सिस्टम से नहीं हटा सकता है, बिकॉज आपने स्ट्रक्चर बनाया, बिजनेस बनाया, डेवलपमेंट बनाया, पीवी बनाया, अभी पैसा तो आपको मिलने वाला ही है, बट पैसे के ऊपर कितना लोगों को लाइफ हम बदल सकता है, कितना लोगों को लाइफ में हम परमानेंटली रह सकते, कितना लोगों को दिल में हम घुस सकता है, कितना लोगों को हृदय में हमको एक परमानेंट स्थान मिलेंगे। अभी लोग हमको कोई तारीफ करने को जरूरते हैं, हम बॉस नहीं है किसका, किसका हम एम्प्लॉयर नहीं है, किसको हमने तनख्वाह देने वाला नहीं है, बोनस तो आता है कंपनी से, बोनस तो आता है डिरेक्शन से, हम बोनस को देने भी नहीं सकता है, रोकने भी नहीं सकता है। इस तरह का हालत में लोग आप तो आपको क्यों पूजा करता है, एक ही कारण है, आपने उसको सही रास्ते में लेकर गया, ये कारण से लोगों को अभी वही है डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का, वो रिलेशनशिप जो कन्वेंशनल बिजनेस में और काम में होता है, बॉस तो वो पैसा देने वाला है, उसको सलाम डालना ही है, उसको अच्छा नहीं है तो आप बहुत अच्छे लोग हैं बताना ही है, क्यों आप वहां काम करता है, यहां लोग चुपके तारीफ किसी को नहीं करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, हमको कोई अधिकार किसी के ऊपर नहीं है, हम किसी का बॉस नहीं है, हम किसी का एम्प्लॉयर नहीं है, हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट एक ही चीज है, हमने सिस्टम के साथ गए तो, सिस्टम को फॉलो करे तो, प्रूवन सिस्टम को, डिसिप्लिन को, एथिक्स को, मोरालिटी को, बिजनेस हॉनेस्टी को हम सीख कर वो रास्ते में चले तो लोग हमको पूजा करेंगे। वो ही डीएक्शन में हो गया है। आरवीसी किसी का भी एक इंडिविजुअल का नहीं, आरवीसी तो एक सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रूवन सिस्टम है। हजार अभी 100 बरस से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो प्रूव हो गया है, उसको सभी मिलाकर हमने यहाँ डालकर नेटवर्क को मजबूत बनाया है। आपने बहुत अच्छा से सिस्टम का पालन किया, आप सिस्टम का पुजारी है, इसीलिए मेरे तरफ से आपको बहुत बड़ा बधाई। बिहार लोगों ने सिस्टम का पुजारी बनने के कारण वो अमीर बन गया है, वही है सीक्रेट।
बहुत लोग पूछा है बिहार में क्या है, बिहार में क्या है, बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में जो आदमी है दूसरा जगह में भी वही आदमी है, वही लोग है, बट इतना अनपढ़ लोग कैसे किया विकास। ये लोगों को भगवान का दया से बिगिनिंग से ही सिस्टम को जबरदस्त पकड़ लिया। अपलाइन मेंटरशिप सिस्टम, प्रूवन मेंटरशिप सिस्टम, अपलाइन एजुकेशन सिस्टम, हॉनेस्ट लीडर्स को फॉलो करने का सिस्टम, ये सिस्टम को आप सभी आकर अभी इंडिया उड़ेंगे। आपके हाथ में, आप लोगों का हाथ में आरवीसी का सिस्टम से, आरवीसी का जो पालन करने वाला है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला है, ये लोगों से बहुत जल्दी से जल्दी हम 100 करोड़ लेकर जाएंगे। बाद में हमारा 100 करोड़ का दिमाग नहीं है, 100 करोड़ का सोच नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरा सोच है 1000 करोड़ को इंडिया को लेकर आना, लेकर जाना महीने में, महीने में। बट हमने एक दिन 10,000 करोड़ करने का ताकत भी भारत देश को है, इंडिया में है, 140 करोड़ पॉपुलेशन का नेशन को क्या कर सकता है, ये स्वास्थ्य का रेवोल्यूशन में क्या कर सकता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे साथ में, भगवान का जड़ी ब्यूटी को रखकर, इतना पावरफुल प्रोडक्ट को रखकर, इतना पावरफुल कंपनी, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉरपोरेट सेक्टर, 25 के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंपनी, इतना बड़ा मालिक, वेरी अनशेकेबल मल्टीनेशनल कंपनी का जो सिंपल मालिक डॉक्टर लिम सोजिन को रखकर, इतना बड़ा हस्तियों हैं हमारा नेटवर्क में मार्गदर्शन देने वाला, वो सभी का एनर्जी को हम एक साथ लेकर क्या कर सकता है वो सोचने का दिन है। वो आपने पहला कदम ऑलरेडी रखा है, ये तो पहला कदम जो बिहार ने रखा है, ये तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स 1000 miles बताता है, 1000 miles जाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। हमने नेटवर्क में इतिहास में फर्स्ट स्टेप लिया है जो हम बहुत दूर जाने वाला है, बहुत दूर जाना ही है फ्यूचर में। आप सभी का एनर्जी, सभी ने एक साथ बहुत जबरदस्त मजबूत सिस्टम को बनाकर इंडिया का हिस्ट्री में, दुनिया का हिस्ट्री में, दुनिया में डीएक्स नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास को हम रचेंगे। हम इतिहास रचने वाला है, इतिहास लिखने वाला है, इतिहास पढ़ने वाला नहीं। एक दिन डीएक्सन दुनिया में इतिहास रचेंगे, इतिहास को हम लिखेंगे, वो हमारे हाथ में हम लिखेंगे। आप सबके सहयोग से विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।